सुपर चोर एपिसोड 91 और 92। कुछ मील दूर, जैसा कि एस को संदेह था, आइस डायवॉल्व्स के साथ लड़ाई पर ब्लेड दानव जनजाति के विरासत गठन मायरी थ्रेड्स एनर्जी डिटेक्शन फॉर्मेशन के साथ व्हाइट फायर द्वारा नजर रखी जा रही थी। इस संरचना को नियंत्रित करने के लिए व्हाइट फायर को स्थिर रहना था, और यही कारण था कि वह स्वयं टीम का पीछा नहीं कर रहा था और उन्हें करीब से निगरानी करने के लिए मिट्टी के ट्रोल का उपयोग कर रहा था, जबकि वह उन्हें मायरी थ्रेड्स एनर्जी डिटेक्शन संरचना के साथ देख रहा था। हालांकि ये संरचना दृश्य प्रदान नहीं करती थी और केवल जीवन रूपों की एनर्जी को ही महसूस कर सकती थी, लेकिन छिपे हुए दुश्मनों का पता लगाना कहीं अधिक सुविधाजनक था। फैंग को 10 ग्रेड 4 भेड़ियों का सामना करते हुए स्वाभाविक रूप से व्हाइट फायर द्वारा देखा गया था और उसने सोचा कि फैंग लापरवाह था और अकेले वहां हमला करके मौत को आमंत्रित कर रहा था। वह दल को रोककर फैंग को बचाने के लिए वहां जाने ही वाला था कि अचानक वुल्फकिन का प्रतिनिधित्व करने वाला एनर्जी धागा गायब हो गया। क्या हुआ, उसने आश्चर्य से कहा और यह सुनिश्चित करने के लिए संरचना का उपयोग करना शुरू कर दिया कि वह कुछ देख तो नहीं रहा है। हालांकि इसके बाद ग्रेड 4 भेड़ियों के 9 अन्य धागे भी गायब हो गए। वह हैरानी भरे भाव से बुदबुदाया, क्या ये हो सकता है कि वह लड़का सभी 10 ग्रेड 4 भेड़ियों को मारने में कामयाब हो गया? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी ताकत प्लेटिनम रिवकोर विशेषज्ञ के बराबर है? लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। युद्ध के मैदान पर एस ने 10 बड़े भेड़ियों की लाशों को देखा। डार्क लाइफ प्लेक्सस वास्तव में शक्तिशाली है। मैं अपनी तलवार की उंगलियों से एक्यूपंक्चर बिंदुओं को महसूस कर सकता हूं और उन्हें बिजली से नष्ट कर सकता हूं। हालांकि इस कौशल का दायरा इतना व्यापक है कि मैं 361 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में से केवल 13 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को ही समझ सकता हूं और इसके साथ केवल 2 तलवार कौशल बना सकता हूं। जब तक मैं एक साथ 361 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को लक्षित कर सकता हूं, ये तलवार कला एक भयानक कला होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे तलवार के क्षेत्र में दिमाग लगाने और तलवार कला को और बढ़ाने के लिए जीवित प्राणियों पर प्रयोग करने की आवश्यकता है। बाद के बारे में सोचते हुए उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया। हालांकि वह किसी तरह अपनी दिव्य इंद्री से 13 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को महसूस करने में सक्षम होने के कारण इस तलवार कला को बनाने में कामयाब रहा, लेकिन उन एक्यूपंक्चर बिंदुओं की स्थिति ऐसी नहीं थी जिसकी वह कल्पना कर सकता था। एक्यूपंक्चर बिंदुओं के बारे में अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए उन्हें जीवित परीक्षण विषयों पर प्रयोग करना था, या फिर उन्हें एक और पुस्तक प्राप्त करनी थी जो उनके पास मौजूद लाइफ प्लेक्सस पुस्तक की तुलना में इन एक्यूपंक्चर बिंदुओं का अधिक गहराई से वर्णन करती हो। क्योंकि लाइफ प्लेक्सस पुस्तक में ज्ञान सीमित था और इसका अधिकांश भाग SLK के सिद्धांतों पर आधारित था, इसलिए यदि वह एक्यूपंक्चर बिंदुओं के इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्हें अपना स्वयं का अनुसंधान शुरू करना पड़ा। फिर भी कौन जानता है, दुनिया इतनी बड़ी थी कि उसे जीवन जाल जैसी एक और गहन पुस्तक मिल सकती थी। भाई फैंग, पीटर की जीवंत आवाज सुनाई दी। एस अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया और चारों ओर देखने लगा। उसने देखा कि पीटर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है और उसकी तलवार से खून टपक रहा है। हालांकि पीटर तब अचंभित रह गया जब उसने फैंग के पास 10 विशाल लाशें देखी और उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। हालांकि वे भेड़िए मर चुके थे, फिर भी वह उनकी भयानक आभा को महसूस कर सकता था। इतनी जल्दी, वह बोले बिना न रह सका। फैंग मुस्कुराया और शांत भाव से बोला, कुछ खास नहीं, वैसे आने के लिए शुक्रिया। चलो दूसरों की मदद करते हैं और यह जगह छोड़ देते हैं। पीटर ने ध्यान भटकते हुए सिर हिलाया और फैंग के पीछे चल दिया। भेड़िया राजा के मर जाने के बाद वे छोटे भेड़िए सभी के हमलों के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सके। अन्य लोग भी ग्रेड 4 भेड़ियों को देखकर चौंक गए और कांसे त्वचा वाले राक्षस से थोड़ा घबराए हुए महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। थॉमस ने अपनी जीभ चटकाई और कहा, भाई फैंग, तुमने इस भेड़िया राजा को कैसे मारा? कोई तलवार का वार नहीं है, बल्कि आंतरिक रक्तस्राव है। ऐसा लगता है कि यह भेड़िया अत्यधिक एनर्जी विचलन के कारण मर गया। इस आदमी का मुंह वाकई कुछ अजीब है। ऐसी शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। थॉमस के अलावा किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब हर कोई उसे आश्चर्य से देख रहा था। हालांकि वह इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं था और सार्थक रूप से उत्तर दिया, यह एक गुप्त तलवार कला है। क्या आप मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हैं ताकि आप इसे स्वयं अनुभव कर सकें? थॉमस ने बेशर्मी से जवाब दिया, क्या तुम अपने दोस्त की हत्या करना चाहते हो? सभी लोग थॉमस को तिरछी निगाहों से देख रहे थे। तुम इस परेशानी के लायक नहीं हो, फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भेड़ियों के राजा का शव ले जाऊंगा, तुम लोग दूसरा ले सकते हो। किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। भले ही फैंग सभी ग्रेड 4 भेड़ियों को चाहता था, लेकिन उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि वह वही था जिसने उन्हें मारा था। ग्रेड 4 के जानवर का शव खजाने से भरा हुआ था, खासकर उनका मांस जो नदी क्षेत्र और नदी कोर के साधकों के लिए बहुत फायदेमंद था। ऐसे मांस का बाजार मूल्य आसमान छू रहा था। शवों को एकत्र करने के बाद वे उस क्षेत्र से चले गए इससे पहले कि और अधिक भेड़िए खून की गंध की ओर आकर्षित होते। वे एक सुदूर पहाड़ी पर रात बिताते हैं और खंडहर को खोजने की अपनी यात्रा जारी रखते हैं।
व्हाइट फायर द्वारा दिए गए नक्शे के अनुसार वे क्षतिग्रस्त खंडहर से अभी भी एक महीने से अधिक की यात्रा दूर थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उस जगह का तापमान गिरता गया। हालांकि नदी क्षेत्र में अपनी चरम साधना के बावजूद केवल एस को छोड़कर उन सभी को ठंड का एहसास होने लगा, लेकिन अलग अलग खजानों के साथ वे ठंड को आसानी से सहन कर सकते थे। आज तक हमारे नीचे सावधान, ये चेतावनी आश्चर्यजनक थी क्योंकि यह शेपर्ड की नहीं फैन की ओर से थी। फिर भी वे सभी पूरी ताकत के साथ अपनी स्थिति से पीछे हट गए। इसके ठीक बाद 5 बर्फ की धारें प्रकट हुईं, जहां से वे सभी कूद पड़े। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ था क्योंकि बर्फ के टुकड़े बर्फ में गायब हो गए थे। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, शेपर्ड ने आश्चर्य से कहा और फैन की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। यदि उन्होंने उन्हें चेतावनी नहीं दी होती तो उनमें से कुछ को गंभीर चोटें लग सकती थीं। वहां हमला करो, फैंग ने कहा और बर्फीली जमीन पर अपनी तलवारों से वार करने लगा। सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। सेक्स, जैसे ही वे हमले उस स्थान पर गिरे अजीब चीखें गूंजने लगी और कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि जमीन नीले तरल से भरने लगी है और यह बर्फ में फैल गया है। खून, काली की आंखें भय से भर गईं। अलोरा ने उस क्षेत्र को पिघलाने के लिए अपनी काली आग का इस्तेमाल किया और हमलावर का रूप सामने आ गया। ये 2 मीटर लंबा सफेद कीड़ा था, लेकिन इसके 2 हाथ और 1 सिर था, जबकि दुर्लभ पर छोटे छोटे तंतु थे। इसकी कोई आंख नहीं थी, लेकिन तीखे दांतों से भरा एक बड़ा गोल मुंह और काले पैटर्न वाले नीले छोटे सींगों की एक जोड़ी थी। थॉमस ने इस प्राणी को देखकर गंभीर भाव से कहा, यह कोई राक्षसी जानवर नहीं है बल्कि एक नासमझ दानव है। एस की आंखें चमक उठी, तुम्हारा मतलब है बिना बुद्धि वाला राक्षस, एक बर्बर राक्षस जनजाति। थॉमस ने सिर हिलाया, हाँ, आप इसके सींगों पर जो छोटे छोटे पैटर्न देखते हैं वे केवल विकास के शुरुआती चरणों वाले राक्षसों में ही होते हैं और इसीलिए हम उन्हें बर्बर राक्षस कहते हैं। हालांकि हम उन्हें बर्बर राक्षस जनजातियां कहते थे और उनके पास बहुत कम बुद्धिमत्ता थी, फिर भी वे एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे। इसके अलावा वे बहुत प्रादेशिक हैं और जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई उनके क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है वे किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना घुसपैठिए पर झुंड बनाकर हमला कर देते हैं। अलोरा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमारे क्षेत्र इस प्रकार के बर्बर राक्षस जनजातियों से भरे हुए हैं और यदि हमने उनकी संख्या को नियंत्रित नहीं किया तो वे अपनी संख्या और आत्मघाती हमलों से बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। गिब्सन के चेहरे पर बदसूरत भाव थे जब उन्होंने पूछा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं तो हमें इन बर्बर राक्षसों के क्षेत्र को पार करना होगा? पीटर ने अपना सिर हिलाया, जरूरी नहीं, हम संयोग से उससे मिल सकते हैं और हमें अभी भी नहीं पता कि उनका इलाका कहाँ है। अगर हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं तो हम अपना रास्ता खो सकते हैं या उनके इलाके में घुस सकते हैं। काली ने कहा, प्रिंस सही कह रहे हैं, हमें अपने मार्ग पर ही चलना चाहिए क्योंकि नक्शे में अन्य मार्गों के बारे में विवरण नहीं था। ये भी संभव है कि खंडहरों में प्रवेश करने के लिए हमें इस बर्बर जनजाति के क्षेत्र को पार करना पड़े। यह एक परीक्षा हो सकती है। शेपर्ड ने नक्शे को देखा और उसके चेहरे पर असहाय भाव था। वह सही हो सकती है, हम अपने गंतव्य के बहुत करीब हैं और वह खंडहर भी भूमिगत है। ये राक्षस बर्फ में घूम रहा था और मैं इसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाया, जिसका मतलब है कि हमारे नीचे सुरंगें हो सकती हैं और अंत में हमें इस जनजाति से भिड़ना होगा। वे सभी फैन की ओर देखते हैं क्योंकि वह नेता था और अंतिम निर्णय उसी पर था। मार्ग पर ही बने रहो, जैसा कि शेपर्ड ने कहा था, हमें उस भूमिगत मार्ग को भी खोजना है जो खंडहर की ओर जाता है। ये राक्षस उसी भूमिगत मार्ग से प्रकट हुआ होगा। अगर हम इधर उधर भटकते हैं तो हम मार्ग को अनदेखा कर सकते हैं। इस जनजाति की उपस्थिति एक अच्छी बात हो सकती है क्योंकि हम उनका अनुसरण कर सकते हैं और भूमिगत मार्ग पा सकते हैं। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीनियर व्हाइट फायर उस खंडहर में हमारे जीवन के लिए कोई खतरा नहीं छोड़ेंगे, है ना? वे सभी फैन की बातों से पूरी तरह सहमत हो गए और आगे बढ़ते रहे। नक्शे के अनुसार कुछ मील आगे बढ़ने के बाद वे क्षतिग्रस्त खंडहर के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन दृश्य में कोई बदलाव नहीं हुआ था। जहां तक नजर जाती थी वहां तक सब कुछ सफेद था और उन्हें इस बर्फ में भूमिगत मार्ग ढूंढना था। एस किसी भी संभावित खतरे या किसी भी छिपे हुए रास्ते के लिए लाइव फेड मैप को देख रहा था जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। यह अभियान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि अलोरा भी इसका हिस्सा था और उन्हें उम्मीद थी कि सुनहरा अवसर इसी खंडहर में होगा। वे यहाँ हैं, एस की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने लाल भाग्य बिंदुओं को उनकी दिशा में चलते देखा और वे नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह खंडहर उस बर्बर राक्षस जनजाति का क्षेत्र हो सकता है और हमें खंडहर में घुसने और अवसरों के लिए संघर्ष करना होगा। राक्षस राजा ने इस अभियान के बारे में कुछ सोचा है, उसके होंठ सिकुड़ गए, मार्ग यहीं कहीं होना चाहिए, शेपर्ड ने नक्शा देखते हुए कहा। फैंग ने अपनी तलवारों की मूठ पकड़ते हुए कहा, हमारे पास मार्ग से अधिक चिंता करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। सभी लोग सतर्क हो गए क्योंकि वे समझ गए थे कि उसका क्या मतलब है और उन्होंने लड़ने की मुद्रा अपना ली।
मुझे मत बताओ कि हमें सचमुच उन कीड़ों से लड़ना होगा। थॉमस के चेहरे पर कड़वाहट थी। फैंग ने तलवार तानते हुए कहा, इस बार वे 5 हैं। जब मैं संकेत दूं तो अपने हमले उसी क्षेत्र पर केंद्रित करना। इसके बाद अब, फैंग ने चिल्लाते हुए पहली तलवार खींचने की चाल चली। सिल्वर कट, पीटर ने भी यही कहा। आत्मा का भ्रम, मत भ्रम। वे सभी उस स्थान पर अपने कौशल का उपयोग करते हैं, और जब वे सभी कौशल उस स्थान पर उतरे तो एक विशाल निर्माता का निर्माण हुआ। केवल उन 5 राक्षसों का खून और शरीर के अंग बचे थे। मरने से पहले उनके पास रोने का भी समय नहीं था। आसान है, गिब्सन ने उपहास किया। देखो, वहाँ एक सुरंग है। ब्रेन्ना ने उस निर्माता से कुछ मीटर की दूरी पर इशारा करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हे, ऐसा लग रहा था कि हम आखिरकार खजाने की खोज शुरू कर सकते हैं। काली ने हल्के से अलोरा को कोहनी मारी। अलोरा ने आंखें घुमाई, पैसे का लालची। हालांकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, लेकिन खजाने ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह जगह इन नासमझ राक्षसों से भरी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि हर कोई सतर्क रहे और खजानों के पीछे अंधा ना हो जाए। जीवन कुछ सांसारिक खजानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, पीटर ने घोषणा की। फैंग ने सिर हिलाया, वह सही कह रहा है। जाल से सावधान रहो, लालच में अंधे मत हो जाओ। शेपर्ड अभी भी पीटर के साथ आगे रहेगा और मैं तुम लोगों के ठीक पीछे रहूंगा। ब्रेना और गिब्सन दुर्लभ को ले लेंगे, जबकि थॉमस, अलोरा और काली केंद्र में रहेंगे, ताकि वे आसानी से अपने लंबी दूरी के कौशल का उपयोग कर सकें। इस स्थिति में वे सभी अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं, जो तीव्र गंध और बर्फीली हवा से भरी हुई है। उनकी कल्टीवेशन की वजह से अंधेरे में देखना मुश्किल नहीं था, लेकिन यह उनकी वास्तविक दृष्टि जितनी अच्छी नहीं थी। सुरंग पुरानी थी और हाल ही में नहीं बनी थी, क्योंकि वहां कुछ पुराने सहायक खंभे थे। कोई भी अंत नहीं देख सका, क्योंकि वे सतर्कता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एस्को महसूस हो रहा था कि वे मिट्टी के ट्रोल 100 मीटर की दूरी से उनका पीछा कर रहे थे, जबकि उसने 300 मीटर दूर से वाइट फायर की आत्मा के हस्ताक्षर को भी महसूस किया था। ऐसा लग रहा था कि यह जगह अभी भी खतरनाक है, क्योंकि उसने अब हमारा पीछा करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या उन्होंने पहले से इसकी व्यवस्था नहीं की थी, या वे हमें जीवन और मृत्यु का अनुभव देने के लिए हमें खतरे में डालना चाहते थे? एस ने सोचा और कुछ क्षणों के लिए लाइफ फेड मैप खोला। वह उस मानचित्र को हमेशा खुला नहीं रख सकता था, क्योंकि एनर्जी बहुत अधिक थक चुका था, इसलिए वह परिवर्तन देखने के लिए इसे बंद करने से पहले केवल एक या दो क्षण के लिए ही खोलता था। इस बार उसने उनके चारों ओर सुरंगों का जाल देखा। केवल यही एक नहीं, बल्कि 10 सुरंगें थीं, और वह भौचक्का रह गया। यह एक भूलभुलैया जैसा है, एस ने सोचा, जब उनके सामने दो रास्ते दिखाई दिए और वे सब रुक गए। ये देखकर शेपर्ड के चेहरे पर भी भाव बदल गए और उसने कहा, हमारे पास इस बारे में कोई नक्शा या विवरण नहीं था। हमें अपना रास्ता कैसे चुनना चाहिए? थॉमस ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि हम एक भूमिगत भूलभुलैया में हैं, और हमें बिना खोए इसे पार करने का रास्ता खोजना होगा, जो कि बिल्कुल असंभव है, क्योंकि हम एक के बाद एक मार्ग की जांच नहीं कर सकते। गिब्सन ने पलटकर जवाब दिया, आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि हम भूलभुलैया में हैं और ये दो रास्ते दो अलग अलग खंडहर स्थानों की ओर नहीं ले जाते? याद आया कि हम एक अभियान पर एक क्षतिग्रस्त खंडहर में हैं। हमें इस जगह को अवसर के लिए तलाशना है, और यह कहीं भी हो सकता है। पीटर ने गिब्सन से पूरी तरह सहमति जताते हुए कहा, वह सही कह रहे हैं सर। व्हाइट फायर ने हमें इस जगह का नक्शा नहीं दिया। इसका मतलब है कि यह क्षतिग्रस्त खंडहर है, और हमें इसे अपने हिसाब से तलाशना होगा। अलोरा अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। तो तुम सुझाव दे रहे हो कि हमें अलग हो जाना चाहिए? क्या तुम्हें वो कीड़े याद नहीं हैं जो इधर उधर घूमते रहते थे? अगर इनमें से कोई रास्ता उनकी परत तक ले जाए तो क्या होगा? काली ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद वे सभी उन दो रास्तों के बारे में अपने विचारों के बारे में बहस करने लगे, और अंत में वे सभी फैंग की ओर देखने लगे, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, और शांति से उनकी ओर देखने लगे। थॉमस ने अपने होंठ सिकुड़े, भाई फैंग, कुछ तो बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए या नहीं? अगर मैंने उन्हें बताया कि यह एक भूलभुलैया है तो ये संदिग्ध लग सकता है। मैंने पहले ही अपनी असामान्य शक्ति और समझ दिखा दी है। ये बुरा होगा अगर व्हाइट फायर को मेरे बारे में कुछ संदेह होने लगे। मुझे बस साथ खेलना चाहिए, एस ने सोचा। फैंग ने अनिश्चितता के साथ कहा, मैं दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से सहमत हूँ, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। हमने इस जगह को खोजने में पहले ही 45 दिन बर्बाद कर दिए हैं, और समय हमारे पक्ष में नहीं है। क्या होगा अगर हम विभाजन के लिए मतदान करें या नहीं? सभी लोग फैंग से सहमत हो गए और मतदान करने लगे। थॉमस, काली और अलोरा ने विभाजन न करने के पक्ष में वोट दिया, जबकि गिब्सन, पीटर, ब्रेना और शेपर्ड ने विभाजन के पक्ष में वोट दिया। अंत में केवल फैंग का वोट बचा। मैं अलगाव के पक्ष में नहीं हूँ। अगर हम अभी अलग हो गए तो क्या होगा अगर हमें और भी अलग रास्ते मिल जाएं और फिर हमें फिर से चुनना पड़े? क्या तुम फिर से अलग हो जाओगे जब तक कि तुम में से सिर्फ एक ही न बचे? फैंग ने सख्ती से पूछा।
पीटर खुद को रोक नहीं सका और बोला, हमें अभी भी नहीं पता कि क्या ये सच है और मैं अब भी सोचता हूँ कि हमें अपने भाग्यशाली अवसर की तलाश करनी चाहिए और बिना खतरे के कभी कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। थॉमस के चेहरे पर जल्लाहट थी क्योंकि पीटर अभी जल्दबाजी में कुछ नहीं सोच रहा था और वह इसका कारण भी बता सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस पूरी यात्रा के दौरान फैंग उसके पीछे पड़ा था और वह उस छाया से बचना चाहता था और यही उसका मौका था। हालांकि पतरस का व्यवहार अच्छा था और उसका व्यक्तित्व उत्कृष्ट था, फिर भी वह अंततः एक महत्वाकांक्षी और घमंडी व्यक्ति था। वह पहले ही देख चुका था कि फैंग उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और वह यहाँ कुछ खोजकर उस अंतर को कम करना चाहता था। वह बिना किसी की मदद के, खास तौर पर फैंग की मदद के, खुद ही यह काम करना चाहता था, वरना वह कभी भी उस छाया से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन थॉमस ये बात खुलकर नहीं कहना चाहता था क्योंकि इससे फैंग के लिए परेशानी ही पैदा होगी और वह नहीं चाहता था कि यह मौन प्रतिद्वंद्विता दुश्मनी में बदल जाए। एस भी समझ सकता था कि वे शब्द कहां से आ रहे थे और वह हमेशा पीटर के बारे में बहुत सोचता था। वह कभी नहीं चाहेगा कि वह अपना आत्मसम्मान या अपना मार्ग खो दे, इसलिए यदि उसने अब उसे दबाने की कोशिश की तो पीटर अपनी लड़ने की इच्छा और अपने स्वभाव को खो सकता है। यद्यपि प्रतिभा होना अच्छी बात थी, लेकिन ये दोधारी तलवार भी थी क्योंकि यह मनमौजी थी। किसी प्रतिभा को दबाना और कुचलना, यही वह काम है जो आप अपने शत्रुओं की लड़ने की इच्छा को नष्ट करने के लिए करते हैं। यद्यपि अपनी प्रतिभा को पार करना और सिद्ध करना वह काम है जो आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करते हैं जिसकी आप प्रशंसा करते हैं और सम्मान करते हैं। आप नहीं चाहते कि वह आपका पीछा करना छोड़ दे, भले ही आप जानते हों कि वह कभी भी आपके बराबर नहीं आ पाएगा। एस का अपनी पीढ़ी के लोगों के साथ बहुत कम संपर्क था तथा ऐसे लोग भी बहुत कम थे जिनका वह सम्मान करता था, इसलिए वह उन लोगों को महत्व देता था जिनका वह सम्मान करता था, और पीटर उनमें से एक था। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम चारों एक साथ जा सकते हो, बस मेरे सामने मत मरना। पीटर आत्मविश्वास से मुस्कुराया, तुम्हारा भी यही हाल है, ये सब खत्म होने के बाद भी मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। इसके साथ ही पीटर, ग्रेना, गिब्सन और शेपर्ड ने सही रास्ता अपनाया। तुमने सही किया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए था, अलोरा ने धीरे से कहा। चिंता मत करो, वह मरेगा नहीं। इसके अलावा वह सही कह रहा है कि अवसर खतरे के साथ आते हैं और अगर वह इस खतरे को दूर नहीं कर सकता तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। फैंग मुस्कुराया, वे बाईं दिशा में मुड़े और आगे बढ़ गए। एस मुस्कुराया क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ। हे, वाइट फायर ने पीटर की दिशा में वैसा ही पीछा किया जैसा मैंने सोचा था, जबकि ट्रोल हमारा पीछा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। कम से कम अब वह नहीं मरेगा। कुछ देर बाद वे आगे बढ़े और चार रास्ते दिखाई दिए। थॉमस खुद को रोक नहीं सका और बोला, अरे हम सचमुच भूलभुलैया में हैं। काली ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो अब क्या? हम जो भी रास्ता चुनेंगे वे हमें किसी अज्ञात स्थान या अधिक जटिल रास्तों पर ले जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां जाते हैं, हमें अभी भी इस भूलभुलैया को पार करना होगा जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि यह कितनी लंबी है या ये कहां ले जाती है। मुझे आश्चर्य है कि वे इस जगह को कैसे खोज पाए, अलोरा ने अनिश्चितता के साथ कहा। चलो तीसरा रास्ता अपनाते हैं। चूंकि हम पहले से ही भूलभुलैया में हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां जाते हैं, ये सब किस्मत पर निर्भर करता है, फैंग ने सुझाव देते हुए हंसते हुए कहा। थॉमस ने उसकी तरफ देखा, भले ही तुम सही हो, लेकिन क्या तुम इसे हल्के में नहीं ले रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई और सुझाव है? फैंग ने उसे चिढ़ाते हुए देखा। थॉमस गहरी सोच में पड़ गया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों न हम दूसरे रास्ते पर चलें? यह मेरा भाग्यशाली नंबर है। सभी लोग अवाक होकर उसकी ओर देखने लगे और अपना सिर हिलाने लगे। अब मुझे पता है कि मुझे कौन सा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, फैंग ने टिप्पणी की जब वह तीसरे रास्ते की ओर बढ़ गया और दोनों महिलाएं उसके पीछे चल पड़ीं। घृणास्पद, थॉमस ने उनके पीछे जाने से पहले गाली दी। इस बार उन्हें कोई नया रास्ता नहीं मिला, हालांकि इस बार यह रास्ता पहले से अलग था। सतह पर पानी की एक परत थी, छत दरक गई थी और पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हम डूब सकते हैं, अलोरा घबराकर बोल पड़ी। थॉमस ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हालांकि फैंग ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए कहा, यह एक अच्छा संकेत है। क्या होगा अगर यह सुरंग किसी खुले जल स्रोत की ओर ले जाए, जैसे कोई झील या नदी? शायद यही रास्ता हो। सभी की आंखें चमक उठी क्योंकि वे तुरंत समझ गए कि फैंग क्या कहना चाह रहा था और उन्होंने फिर से जाने की बात नहीं कही। हालांकि इसके बाद पानी पर अचानक लहरें उठी जिसे सभी ने महसूस किया। पानी के अंदर कुछ है, काली चिल्लाई जब उसके हाथ में एक बैंगनी लकड़ी का डंडा दिखाई दिया।
हालांकि एस के हाव भाव बदल गए और वह चिल्लाया, जल्दी से दीवार पर हमला करो और छिप जाओ या कुछ पकड़ लो। यह कोई हमलावर नहीं है बल्कि बाढ़ है। थॉमस और अन्य चेहरे घबरा गए और उन्होंने जल्दी से खुद को सहारा देने के लिए जगह बना ली ताकि वे उस बाढ़ में बह न सकें। उनके पास ये पूछने का भी समय नहीं था कि फैंक को इस बारे में कैसे पता चला, लेकिन उन्हें उसके फैसले पर भरोसा था। एस की चेतावनी के ठीक एक क्षण बाद पानी का एक तेज बहाव प्रकट हुआ और पूरी सुरंग भर गई तथा एक शक्तिशाली जलधारा जो प्रवेश द्वार की ओर बह रही थी प्रकट हुई। दीवार में छोटे छोटे छेद बनाने के बावजूद जो पानी के बहाव के केंद्र में नहीं थे, वे महसूस कर सकते थे कि पानी उन्हें अपनी दिशा में बढ़ने के लिए दबाव डाल रहा था। लेकिन यह एकमात्र समस्या नहीं थी क्योंकि उस भूरे पानी के भीतर कोई अजीब शक्ति थी जो उनकी चेतना को प्रभावित कर रही थी। यहां तक कि एस भी सुन्न महसूस कर रहा था और उसे स्थिर रहने के लिए अपनी स्वर्गीय आत्मा एनर्जी का उपयोग करना पड़ा, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि अन्य लोग भी अच्छा नहीं कर रहे थे। इस पानी में कुछ गड़बड़ है। एस का दिल घटनाओं के इस अजीब मोड़ से चिंता से भर गया। थॉमस सबसे बुरा था क्योंकि वह एक आत्मा साधक था और उसका शरीर एक मार्शल साधक के शरीर जितना मजबूत नहीं था और पानी उसके मन और शरीर दोनों को प्रभावित कर रहा था। जल तत्व से लगाव न रखने वाला नदी साधक 3 महीने तक पानी के अंदर जीवित रह सकता है, लेकिन उनकी लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी, खास तौर पर आग से लगाव रखने वाला। अगर वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं तो वे पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। लेकिन अब उन्हें पानी में मौजूद इस अजीब शक्ति से भी निपटना था। क्या मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं? एस का चेहरा गंभीर था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि पानी का बहाव और अधिक तीव्र होता जा रहा था। यद्यपि वह सहन कर सकता था, लेकिन अन्य लोगों के लिए यह संभव नहीं था क्योंकि उनमें उसकी तरह असामान्य शारीरिक संरचना और आत्मा नहीं थी। पानी के कारण वे एक दूसरे से दूर छिपे हुए थे और आपस में बातचीत भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक इसी समय एस का दिल उस समय धड़क उठा जब उसने उस छेद की ओर देखा जहां से पानी आ रहा था। जल्द ही एक कृमि जैसा शरीर दिखाई दिया जो कोई और नहीं बल्कि बर्बर दानव था, और वह अकेला नहीं था। उसके पीछे 3 और थे, और वे परेशान करने वाली बात यह थी कि वे स्वर्ण आत्मा क्षेत्र के 4थे चरण में थे। लेकिन सबसे असामान्य बात यह थी कि पानी की धारा उनके विरुद्ध पूरी तरह से अप्रभावी थी क्योंकि वे उस शक्तिशाली जलधारा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एस ने तुरंत अपनी निर्दयी चालाकी का इस्तेमाल किया और गायब हो गया। उसे इस शक्तिशाली जलधारा में इन 4 आत्मा क्षेत्र के राक्षसों से लड़ने का भरोसा नहीं था। उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन दूसरों के पास उसकी गुप्त कला या उसकी आत्मिक समझ नहीं थी। जब तक वे कुछ मीटर दूर नहीं पहुंच गए, उन्हें उन राक्षसों के अपनी ओर आने का आभास नहीं हुआ। थॉमस उन राक्षसों को सबसे पहले नोटिस करने वाला था, और जब उसने उनका शक्तिशाली दबाव महसूस किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह पानी की धारा की मदद से भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, राक्षस ने अपना हाथ हिला दिया और बिना किसी प्रतिरोध के थॉमस एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। एस ने थॉमस की मदद करने के लिए अपने तावीजों का उपयोग करना चाहा, लेकिन वह अचानक रुक गया क्योंकि उन राक्षसों के पास हमला करते समय मारने की कोई मंशा नहीं थी, और राक्षस ने जो कौशल का उपयोग किया था उसने थॉमस को नहीं मारा बल्कि उसे रोक दिया क्योंकि वह अभी भी जीवित था। अलोरा और काली को भी थॉमस जैसा ही भाग्य भोगना पड़ता है, और फिर उन राक्षसों ने स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर फैन की ओर देखा। एस ने कई बार स्कैन करते हुए अपनी प्रबल मार्शल भावना को महसूस किया और वह अनुमान लगा सकता था कि उन्हें किसी तरह पता चल गया था कि वह यहीं था और अब वे उसे खोज रहे थे क्योंकि वह भाग गया था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, उन्होंने थॉमस, अलोरा और काली की मूर्तियों को उठाया और प्रवेश द्वार की ओर चले गए। स्पष्ट रूप से उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। एस अपनी स्थिति में स्थिर रहा और उसने गंभीर भाव से उन राक्षसों को देखा। मैं इसे चाहे जिस तरह से भी देखूं, ये बाढ़ हमारे सुरंग में प्रवेश करने के बाद ही आई जो कि भाग्य मानचित्रण में किसी अन्य सुरंग की ओर नहीं जाती थी। अब वे राक्षस बाढ़ के ठीक बाद हमें पकड़ने के लिए आए थे। इस सुरंग के अंत में कुछ है और वे राक्षस सिर्फ नासमझ नहीं है, कुछ चल रहा है। एस की आंखों में एक तेज चमक थी। वह उन राक्षसों के पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए वह अभी भी स्थिर खड़ा रहा। जहां तक उनकी सुरक्षा का सवाल है, उन्होंने महसूस किया कि ट्रॉल्स भूमिगत रूप से उनका पीछा कर रहे थे, और जो आखिरी व्यक्ति फैंक को खोजने के लिए रुका था वह भी यह सोचकर चला गया कि फैंक भी भाग गया है और उनका पीछा कर रहा है। दूसरी ओर व्हाइट फायर के चेहरे पर गहरी उदासी थी। वह शांति से पानी की धारा में स्थिर खड़ा था जो कि एस की तुलना में आधी शक्तिशाली थी। क्या हो रहा है? पिछली बार कोई बाढ़ नहीं आई थी और यह भूल भुलैया उस बर्बाद शहर के प्रवेश द्वार से पहले एक छोटी सी बाधा मात्र थी। हालांकि ओरा ने कहा था कि आत्मा क्षेत्र साधना के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है, और वह पहले ही आत्मा क्षेत्र के बर्बर राक्षस से छुटकारा पा चुका था। हो सकता है कि वह कुछ भूल गया हो। उन्हें साथ रहना चाहिए था, लेकिन छोटे प्रिंस ने अलग अलग जाने पर जोर दिया, और मैं उसे दोष नहीं देता क्योंकि वह बदमाश फैन बहुत ही चमकदार है, लेकिन ये परिवर्तनशीलता अच्छी नहीं है।
वह चारों को पानी की धारा में अपनी जगह बचाने के लिए संघर्ष करते हुए गहराई से देखते हुए सोच में पड़ गया। 6 घंटे तक पानी का बहाव तेज रहा, उसके बाद स्थिति शांत हुई। लेकिन इन 6 घंटों में एस ने देखा कि 50 से अधिक कृमि राक्षस उसी स्थान से निकलकर बाहर की ओर बढ़ रहे थे। वे घुसपैठियों का पीछा कर रहे थे, जिससे उन्हें इस मार्ग के अंत और उनके अंतिम लक्ष्य के बारे में और भी अधिक जिज्ञासा हुई। मुझे जाना चाहिए, एस ने सोचा जब उसे लगा कि पानी की धारा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। बिना कोई हलचल पैदा किए वह चुपके से आगे बढ़ गया। आधे घंटे तक तैरने के बाद उसने अंततः अंत देखा, जो सुरंग का अंत था, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह सुरक्षित है, वह सुरंग से बाहर निकला और भूरे पानी के एक विशाल शरीर में दिखाई दिया। और यहाँ आत्मा दमन अधिक मजबूत था। एस ने उस सुरंग को देखा जहाँ से वह दिखाई दिया था, और वह तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि सुरंग के चारों ओर की दीवार काले धब्बों से भरी हुई थी। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि कोई भी इस रूनिक दरवाजे को खोज पाए, और इसीलिए उन्होंने पूरे रास्ते को जलमग्न कर दिया और उन राक्षसों को इस मार्ग से घुसपैठियों को पकड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन केवल बुद्धिमान राक्षस ही ऐसी चीजें करने में सक्षम हैं, और ये रून काफी गहरे हैं, ज्यादातर 7वीं कक्षा में। इस जगह में कुछ गड़बड़ है, जिसे ब्लेड डोमेन ने अनदेखा कर दिया है। एस ने मुंह बनाया, मोइरा, नक्शा खोलो, एस ने आदेश दिया। हाँ, मोइरा ने बड़ी मुश्किल से कहा, और भाग्य का नक्शा सामने आ गया। जब उसने भाग्य का नक्शा देखा, जो अब ग्रे नहीं था बल्कि हल्का चांदी का था, तो उसकी गहरी नीली आयरिस डेकाग्राम में बदल गई। यह एक लाइट सिल्वर भाग्य नक्शा है, यह एक लाइट सिल्वर भाग्य मानचित्र है, उसने उत्साह से पूछा। मोइरा ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है सर। एस, हे, ऐसा ही लगा, लेकिन चूंकि यह एक मानचित्र प्रकार का अवसर है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे इसे खोजना होगा, और हो सकता है कि खजाने की रक्षा करने वाले शक्तिशाली प्राणी उन राक्षसों की तरह हों, एस ने अनुमान लगाया। वास्तव में आपको सावधान रहना होगा, मोइरा ने चिंता के संकेत के साथ उत्तर दिया। एस ने केवल मुस्कुराया और धीरे धीरे सतह की ओर पैदल मारना शुरू कर दिया। उसने पानी में कोई लहर नहीं बनाई, क्योंकि किसी कारण से उसकी आत्मा की भावना उस ग्रे पानी से अवरुद्ध हो गई थी, और वह अंदर रहते हुए बाहर की भावना को महसूस करने में सक्षम नहीं था। लेकिन लाइव मानचित्रण पूरी तरह से अप्रभावित था, और वह सतह पर 2 लाल भाग्य बिंदु देख सकता था, और वह सावधानीपूर्वक उनसे यथासंभव दूर चला गया। जब एस सतह के करीब था तो उसने एक आवाज सुनी, लेकिन वह भाषा राक्षस की भाषा नहीं थी, जिससे वह चौंक गया, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से समझ सकता था। तुमने गठन क्यों रोक दिया? क्या तुम्हें लगता है कि सभी घुसपैठियों को पकड़ लिया गया है? इस भारी आवाज के जवाब में एक और स्त्री स्वर गूंजा। मुझे नहीं पता, लेकिन हम इस आत्मा दमनकारी झील को स्वतंत्र रूप से बर्बाद नहीं कर सकते। इन सभी वर्षों में ये पहले ही अपनी आधी से अधिक शक्ति खो चुकी है। पूर्वज के अनुसार अगर यह झील अपना प्रभाव पूरी तरह से खो देती है, तो इन सभी वर्षों में हमारे कबीले की रक्षा करने वाली बाधा भी अपनी शक्ति स्रोत खो देगी और नष्ट हो जाएगी। तो फिर हम उन घुसपैठियों को पकड़ने के लिए झील का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम उन्हें मार क्यों नहीं देते? आवाज ने फिर अनिश्चितता के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन कुलपिता ने अपने पूर्वजों का आदेश बताया। चिंता मत करो, वे भूत कीड़े इसी झील से पैदा हुए हैं और वे इसमें अजेय हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही उन्हें पकड़ लिया हो और वापस जाने के लिए तैयार हों। झील का पानी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, स्त्री स्वर ने निश्चितता के साथ आश्वासन दिया। एस इन 2 रहस्यमयी आवाजों को सुनकर मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक सका। वे उन नासमझ राक्षसों को भूत कीड़े कह रहे हैं, और उन्हें इस रहस्यमयी पूर्वज द्वारा हमें पकड़ने का आदेश दिया गया है, तो इसका मतलब है कि वे हमें आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। एस सतह की ओर बढ़ते हुए अत्यंत सतर्क हो गया, और उसने उन 2 लाल भाग्य बिंदुओं से यथासंभव दूरी बनाए रखी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह सुरक्षित है, उसका सिर बाहर की ओर आया, और अब उसे बाहर का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पहली चीज जो उसने देखी वह थी तट के दूसरी ओर बर्फीले घास के मैदान, जिस पर ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ थे, लेकिन इन ताड़ के पेड़ों की छाल पूरी तरह से सफेद थी, जबकि उनका मुकुट बर्फीले नीले रंग का था, मानो वह बर्फ से बना हो। तभी उसकी नजर भूरे रंग की झील पर पड़ी, जो 10 मील आकार की थी, और दूर किनारे पर उसे एक पारदर्शी नीली परत दिखाई दे रही थी, जबकि आकाश भी नीले रंग से ढका हुआ था। उस पर कोई बादल या सूरज नहीं था, लेकिन फिर भी वह प्रकाशित था। ये वही अवरोध होना चाहिए जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, लेकिन इस तरह का गठन कम से कम 7वीं कक्षा का होना चाहिए, एस ने सोचा, क्योंकि उसने उन आवाजों की दिशा में देखा, और जो उसने देखा उससे वह आश्चर्य और अविश्वास में पड़ गया। एस को लगा कि उसकी आंखें उसके साथ छल कर रही हैं, क्योंकि उन आवाजों के मालिक न तो राक्षस थे और न ही मनुष्य, बल्कि 2 खूबसूरत लोमड़ियां थीं। वे 2 मीटर के आकार के थे, जैद जैसे सफेद फर से ढके हुए थे, उनकी आंखों के बीच क्रिस्टल गुलाबी रंग का एक छोटा सा पैच था, और उनकी 2 दुम थीं। वे किनारे पर शांत बैठे हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे, बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह।
हालांकि एस के पास उनकी प्रशंसा करने का समय नहीं था क्योंकि उसका दिमाग सभी प्रकार की अटकलों से भरा था और केवल एक चीज ही उनके अस्तित्व का वर्णन कर सकती थी, जिसे उसने ब्लेड कैसल में शाही पुस्तकालय की लाइब्रेरी में पढ़ा था। जो जानवर संवाद कर सकता है और जिसके पास ये जानवर जैसी आभा है, वह केवल जानवर महाद्वीप की प्राचीन जानवर जाति से ही हो सकता है। लेकिन वे दानव महाद्वीप पर कैसे प्रकट हुए, और ऐसा लगता है कि वे बहुत लंबे समय से छिपे हुए हैं, एस ने सोचा। और उसने उन दो लोमड़ियों को घबराहट से देखा। प्राचीन पशु जाति स्वर्णिम आकाश जगत की पांचवी अधिपत्य थी और अन्य जातियों के प्रकट होने से पहले इस संसार में रहने वाली पहली जाति थी। हालांकि उन्हें इस भूमि को दूसरों के साथ साझा करने के लिए मजबूर किया गया था और दूसरों द्वारा पांचवें स्थान पर धकेल दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे कमजोर थे। वे भाषा सीखने और बोलने की क्षमता के साथ बुद्धिमान जीवन रूप भी थे, साथ ही शाही जानवर वंश भी थे जो मानव रूप में भी बदल सकते हैं। फिर भी प्राचीन पशु जाति केवल पशु महाद्वीप में ही अस्तित्व में थी, लेकिन ये राक्षस महाद्वीप था और वे प्राचीन पशु जाति से उतनी ही नफरत करते थे जितनी की बाद वाली उनसे नफरत करती थी। इसलिए यह आश्चर्यजनक था कि यह लोमड़ी कबीला यहाँ छिपा हुआ था और इस समय दानव महाद्वीप के बीच में राक्षसों की नाक के नीचे जीवित रहा। और अगर यह खबर फैल गई तो यह उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका होगा, और यह इस घुसपैठ से कहीं अधिक गंभीर था, क्योंकि शैतान, दानव, शिकारी और मनुष्य को जानवरों का कट्टर दुश्मन कहा जा सकता है, जबकि जानवरों के साथ भी यही स्थिति थी। इस तरह की दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण ये था कि प्राचीन जानवर ताकतवर बनने के लिए किसी भी चीज को खा लेते थे, जिसमें उनकी अपनी जाति भी शामिल थी, और यही उनका दमन करने का सबसे बड़ा कारण था। एस को पता था कि इस बार वह किसी गंभीर चीज पर ठोकर खा गया है, और यह जगह भी एक हल्के चांदी के नक्शे की तरह थी, इसलिए वह दुविधा में था कि वह वहां से चला जाए या आगे बढ़े। हालांकि एस को अचानक कुछ आभास हुआ और वह उन दो लोमड़ियों को सचेत किए बिना ही तेजी से ग्रे झील से बाहर निकल गया। इसके बाद दोनों लोमड़ियां अचानक उग्र भाव के साथ खड़ी हो गईं और झील में लहरें उठने लगी, इससे पहले कि वे भूतिया कीड़े सतह पर आने लगते। उनमें से कुछ लोग बर्फ की मूर्तियों को संभालते हुए उन्हें किनारे तक ले जा रहे थे। एस की आंखें फैल गईं, क्योंकि वे मूर्तियां उसके अलावा पूरे अभियान दल की थीं, और वहां 8 मिट्टी के ट्रोल भी थे और केवल सफेद आग गायब थी। एस ने निष्कर्ष निकाला, ऐसा लगता है कि वह भागने में सफल हो गया, लेकिन यह अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि अन्य लोग पकड़े गए थे और उनका जीवन गंभीर खतरे में पड़ सकता था। उसे उस समूह में सिर्फ थॉमस की परवाह थी, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो वह इस जगह के दूसरे शक्तिशाली जानवरों को सचेत कर सकता है। उसे अभी भी उनकी ताकत की पूरी सीमा का पता नहीं था, इसलिए वह शांत रहा और देखता रहा। उस समय एक भेड़िए की गुलाबी रंग की पशुवत आंखें अचानक चमक उठी जब उसने गुलाबी रंग की धुंधली एनर्जी छोड़ी, जिसने सुनहरे आत्मा क्षेत्र के एक भूत कीड़े को ढक दिया। उसके सिर पर एक लोमड़ी के चेहरे जैसा अजीब प्रतीक दिखाई दिया। क्या कोई भागने में सफल हुआ, उसने पूछा। भूत कीड़ा अजीब तरह से अस्पष्ट आवाज में बड़बड़ाने लगा। वह अचानक गुर्राए, क्या मतलब है तुम्हारा, एक हवा में गायब हो गया और एक घायल होकर भागने में कामयाब रहा, मर जाओ। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, इस भूतिया कीड़े पर बना लोमड़ी का प्रतीक भयावह रोशनी में चमक उठा और फिर उसका शरीर टुकड़ों में फट गया। एस की आंखें डर और सदमे से सिकुड़ गईं। तो इस तरह से वे उन नासमझ राक्षसों को नियंत्रित कर सकते थे, और वह निशान एक शक्तिशाली प्राणी का सोल ब्रांड होना चाहिए। ये लोमड़ी जानवर सरल नहीं है, उसने बिना पलक झपकाए इसे एक डिस्पोजेबल मोहरे की तरह मार डाला। सोल ब्रांड एक गुप्त तकनीक थी जिसका उपयोग मार्शल और सोल साधक दोनों द्वारा किया जा सकता था। इसे विकसित करना काफी जटिल था, क्योंकि पहले व्यक्ति को विभिन्न सामग्रियों से अपना स्वयं का आत्मा ब्रांड बनाना पड़ता था, और फिर इस आत्मा ब्रांड के तैयार हो जाने के बाद इसका उपयोग दूसरों को बलपूर्वक गुलाम बनाने के लिए किया जा सकता था, जब तक कि वे आत्मा ब्रांड के मालिक से कमजोर हों। ये किसी भी गुलाम अनुबंध से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि सोल ब्रांड विरासत में मिला था और सोल ब्रांड के मालिक के वंश का कोई भी व्यक्ति सोल ब्रांड का इस्तेमाल कर सकता था, बशर्ते उसके पास इसके लिए उपयुक्त तरीका हो। यही कारण था कि यह तकनीक इतनी भयावह थी। हालांकि इस तकनीक को प्राचीन समय में नष्ट माना जाता था, और यदि एस ने शाही परिषद के पुस्तकालय में इसके बारे में नहीं पढ़ा होता तो उसे पता नहीं चलता कि इस लोमड़ी कबीले के पास ऐसी तकनीक है। इससे वह इस महल के प्रति और भी अधिक चिढ़ गया, विशेषकर उस पूर्वज के प्रति जो इस स्थान को छाया से नियंत्रित कर रहा था। इस समय नर लोमड़ी दुखी होकर गुर्राया, अरे हेली, मैं भी उन्हें फोड़ना चाहता हूँ। चुप रहो, यह कोई खेल नहीं है, यह उनकी सजा थी, उसने सख्ती से डांटा और उन भूतिया कीड़ों को फिर से मारने की नीयत से देखा, जिससे वे कांप उठे। हेली ने अपने खूनखार दांत दिखाते हुए कहा, अगर तुमने फिर से ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने खा जाऊंगी। अब उन्हें वापस कॉलोनी में ले जाओ। फिर उसने नर लोमड़ी की ओर देखा और आदेश दिया, जैरो, उन्हें ले चलो। मैं दरवाजा बंद करके कुलपति को इन दो भागने वालों के बारे में रिपोर्ट करने जा रही हूँ।
जैरो की आंखें अनिच्छा से भरी थीं, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और उन भूतिया कीड़ों को बर्फीले घास के मैदान की ओर ले गया। हेली का दाहिना पंजा अचानक गुलाबी रोशनी में चमक उठा, लेकिन रोशनी के भीतर वही लोमड़ी का प्रतीक था और उसने चमकते पंजे को धीरे से ग्रे झील पर रख दिया। इसके बाद जो हुआ उससे ऐस हैरान रह गया। संपूर्ण ग्रे झील अचानक भयावह रोशनी में चमक उठी, फिर वह जमने लगी और जल्दी ही वह एक जमी हुई ग्रे झील बन गई। वे समझदार हैं, ऐस ने ठंडी ग्रे झील को देखा और फिर हेली को चोर निगाहों से देखा। मुझे इस कॉलोनी में उसका पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि उन राक्षसों को पकड़ने का उनका उद्देश्य क्या है, यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने से पहले। हालांकि पहले ये चांदी का अवसर खोजने के बाद, भूमिगत मार्ग से कुछ मील दूर व्हाइट फायर राख जैसे रंग के साथ दिखाई दिया। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, जबकि उसकी छाती और पीठ पर गहरे खुले घाव थे। उसने जल्दी से एक गोली खा ली इससे पहले कि उसके चेहरे पर कुछ सुधार आता, लेकिन उसकी आंखों का भय जरा भी कम नहीं हुआ, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि कैसे वह लगभग मर ही गया था। यह एक बहुत बड़ी भूल है, मुझे महामहिम को सूचित करना चाहिए। वे कोई हैं जो उन बर्बर राक्षसों को नियंत्रित कर रहे हैं और वे उस झील के पानी से बहुत डरावने हैं। मेरी सफेद आग पूरी तरह से दबा दी गई थी, मुझे बस उम्मीद है कि बहुत देर नहीं होगी। वह जल्दी से ब्लेड डोमेन की ओर निकल गया और इसकी सूचना दी। अगर यह सिर्फ दूसरे प्रतियोगी होते तो वह इतना घबराता नहीं, लेकिन ब्लेड डेमन किंग के बेटे को भी उन भूतिया कीड़ों ने ले लिया था। वह जानता था कि अगर पीटर को कुछ हुआ तो कई लोगों के सिर कट जाएंगे, जिनमें उसका भी सिर कट जाएगा। जमी हुई ग्रे झील के दूसरी ओर एस अंततः हेली का पीछा करते हुए ताड़ के पेड़ों के जंगल को पार करके कॉलोनी में पहुंच गया। यह तथाकथित कॉलोनी नीले अवरोध के किनारे तक पहुंचने वाला एक ऊंचा पर्वत था और यह छोटी गुफाओं से भरा हुआ था और कई युवा लोमड़ियां वहां खेल रही थीं, जबकि वयस्क लोमड़ियां अपनी गुफाओं के प्रवेश द्वार पर टहल रही थीं। एस ने पहाड़ के तल के चारों ओर 200 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार और बर्फीले घास के मैदान में हजारों छेदों को भी देखा। जब उसने उन छिद्रों में हजारों आत्माओं के हस्ताक्षर महसूस किए तो उसका चेहरा बदल गया। तो उन छिद्रों में भूत कीड़े रहते थे और पहाड़ पर लोमड़ी रहती थी। अगर कोई उस पहाड़ पर हमला करता है तो उसे पहले इन राक्षसों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा पहाड़ के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाला मार्ग एक डिटेक्शन सरणी से ढका हुआ है। खैर, यह मुझे डिटेक्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह सुरक्षित दूरी से समूह का पीछा करते हुए अपने होंठ सिकोड़ रहा था। जब वे बर्फ की दीवार पर पहुंचे तो हेली ने भूत कीड़ों को देखा। अभी के लिए भाग जाओ। उन भूतिया कीड़ों ने थॉमस और उनके साथियों की बर्फ की मूर्तियों को नीचे रख दिया और बर्फ की दीवार की ओर झुककर उन छिद्रों की ओर चले गए और उनमें गायब हो गए। हेली ने जैसे ही अपना पंजा बर्फ की दीवार पर रखा, उसका पंजा पुनः चमक उठा और उसके बाद एक द्वार दिखाई दिया और अधिक लोमड़ियां दिखाई दी और उनमें से एक लोमड़ी अन्य लोमड़ियों से एक मीटर लंबी थी। हेली और जैरो ने इस लोमड़ी को देखकर अपना सिर नीचे किया और उसे आदरपूर्वक अभिवादन किया। पांचवें बुजुर्ग ने सिर हिलाया और उनकी वृद्ध आवाज गूंजी, बच्चों तुम कड़ी मेहनत करते हो। पांचवें बड़े, क्या मुझे अब आइस हनी फ्रूट मिल सकता है? जैरो ने जल्दी से चिल्लाया। बेटे कुछ तो इज्जत करो, हेली ने दांत दिखाते हुए डांटा। पांचवें एल्डर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तुम हमेशा इतने चंचल रहते हो, जाओ छठे एल्डर से कहो कि मैंने मंजूरी दे दी है। हाँ शुक्रिया पांचवें बड़े, ये कहकर जैरो खुशी खुशी पहाड़ की ओर भाग गया। उसकी चिंता मत करो, वह एक अच्छा चिंतक होगा। चलो कुलपिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पांचवें एल्डर ने धीरे से कहा और उन लोमड़ियों को स्टेटस लेने के लिए अलग कर दिया और वे पहाड़ की ओर चल पड़े। एस ने स्वाभाविक रूप से उनका पीछा किया और बर्फ की दीवार के खुले हिस्से को पार कर लिया इससे पहले कि वे करीब पहुंचे। हालांकि जैसे ही एस ने बर्फ की दीवार को पार किया, पहाड़ की चोटी पर वह क्षेत्र गुलाबी बर्फीली धुंध से भर गया और अचानक दो भयावह आंखें खुल गईं। पूरे पर्वत में एक गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंज उठी, नीच राक्षस, तूने छिपकर घूमने की हिम्मत कैसे की? जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो पूरा लोमड़ी परिवार पूजा में झुक गया और पुकारने लगा। पूर्वज, पहाड़ के प्रवेश द्वार पर जब हेली और पांचवें एल्डर ने मूर्तियों को देखा तो उनके चेहरे पर सफेदी छा गई, लेकिन उनमें कुछ भी गलत नहीं था। क्या हमें कुलपति ने उन्हें यहाँ लाने का आदेश नहीं दिया था? क्या हमने कोई अपराध किया है? उन्होंने सोचा और वे क्षमा मांगने ही वाले थे कि वह आवाज फिर गूंजी। हम अभी भी नहीं दिख रहे हो। अगले ही क्षण बर्फीली दीवार के पास के क्षेत्र के चारों ओर गुलाबी धुंध की एक विशाल धारा एकत्रित हो गई और फिर अचानक एक लकीर में बदल गई तथा एक विशेष दिशा में एक साथ बढ़ने लगी। कोई कॉलोनी में घुस आया है, पांचवें बुजुर्ग के चेहरे का भाव बदल गया। इस समय एस की अभिव्यक्ति बदसूरत थी क्योंकि उसे इस आवाज के मालिक ने पाया था। जब वह अंदर गया तो वह बहुत सावधान था और उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, न ही लाइव फेक मैप ने कुछ भी इशारा किया।
लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो भी इस उपस्थिति को प्रकट कर रहा था वह उसके कंपास के स्तर से ऊपर था। जब उसने यह आवाज सुनी तो पहले तो उसने सोचा कि यह थॉमस और अन्य राक्षसों के लिए है, लेकिन जब वह गुलाबी धुंध अचानक ठीक उसी जगह पर प्रकट हुई जहां वह खड़ा था तो उसका दिल धड़कने लगा, और यदि उसने अपनी चाल कौशल का उपयोग नहीं किया होता तो उसे यकीन था कि वह पकड़ा गया होता। लेकिन उसे डर लगा कि अब गुलाबी धुंध उसके निर्दयी चुपके के बावजूद उसका पीछा कर रही थी। इसका मतलब यह भी है कि इस आवाज का मालिक एक आत्मा अभिव्यक्ति क्षेत्र साधक था और वह अपने तुरुप के पत्तों का उपयोग किए बिना बच नहीं पाएगा। क्या मुझे तुरंत फ्लैश टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना चाहिए? लेकिन मुझे इस धुंध से किसी की हत्या करने की मंशा का एहसास नहीं हुआ, और यह स्पष्ट है कि वे घुसपैठियों को पकड़ना चाहते थे। क्या होगा अगर मैं उन्हें मुझे पकड़ने दूं और देखूं कि वे क्या चाहते हैं? ये भी काफी आसान होगा। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और इस दिव्य ताबीज को बर्बाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा यदि चीजें गलत हो गईं तो उस समय भागने में बहुत देर नहीं होगी। एस की आंखें चमक उठी इससे पहले कि वह भागना बंद कर दे और अपनी छिपने की आदत को रद्द कर दे। वह फैंग के भेष में दिखाई दिया। जैसे उसने सोचा कि ठंडी गुलाबी धुंध ने उसके पूरे शरीर को ढंक लिया है और उसे पूरी तरह से अपनी स्थिति में बांध दिया है, उसी तरह उस धुंध के भीतर एक अजीब दमनकारी शक्ति भी थी, लेकिन वह उससे अप्रभावित रहा। दिलचस्प है, उसे मेरे पास लाओ। लोमड़ी पूर्वज की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन भीतर आश्चर्य की एक झलक थी। इसके साथ ही गुलाबी धुंध गायब हो गई और एस ने अपने सामने पांचवें एल्डर को देखा, और वह उसे मारने के इरादे से बुरी तरह से घूर रहा था, लेकिन उसने पूर्वज के आदेश के कारण हमला नहीं किया। एस ने शांति से पांचवें एल्डर को देखा और राक्षसी भाषा में बोला, वह नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि वह प्राचीन पशु भाषा भी जानता है, अन्यथा उन्हें संदेह हो सकता है। ये जूनियर सीनियर का अभिवादन करता है। तुम यहाँ कैसे घुस आए? पांचवें बड़े को कुछ भी गलत नहीं लगा और उसने राक्षसी भाषा में ठंडे स्वर में पूछा। इसके अलावा उसके पास कुछ भी सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह इस राक्षस की खुद को छिपाने की क्षमता से हैरान था। यहाँ तक कि उसके जैसा सातवें चरण का हीरक आत्मा क्षेत्र साधक भी उसे पहचान नहीं पाया जब वह उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। इसके अलावा वह जानता था कि उन भूत कीड़ों की उपस्थिति में आत्मा दमनकारी झील को पार करना और भी अधिक कठिन था, क्योंकि वे उस धूसर जल में किसी को भी आसानी से महसूस कर सकते थे, बशर्ते कि वे उनके पूर्वज जैसे न हों। लेकिन वह इस दानव पर चरम एनर्जी नदी क्षेत्र की कल्टीवेशन को भी महसूस कर सकता था, जिससे उसके लिए सभी को मूर्ख बनाते हुए यहाँ प्रकट होना और भी अजीब हो गया। एस ने शांति से उत्तर दिया, मैंने प्रवेश करने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया, लेकिन ये बेकार था क्योंकि अंत में मुझे पकड़ लिया गया। पांचवें बुजुर्ग की आंखें चमक उठी, किस तरह का कौशल? फैंग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे और मेरे दोस्तों को जाने दो और मैं तुम्हें ये कौशल सिखाऊंगा। पांचवें बुजुर्ग ने क्रूरता से गुर्राते हुए कहा, अपनी किस्मत को मत आजमाओ बच्चे, एक बार दीवार के इस तरफ घुसने के बाद तुम बच नहीं पाओगे। आज्ञा का पालन करो और हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। फैंग ने घृणा से हंसते हुए कहा, अपना सबसे बुरा काम करो। हालांकि पांचवें बड़े को कुछ महसूस हुआ और उसकी आंखों में डर उभर आया, क्योंकि उसने आखिरकार अपने लालच को दबा लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यहाँ कोई भी पूर्वज से भयभीत नहीं था, क्योंकि पूर्वज की नजरों से उसके पहाड़ में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। हम मेरे पीछे आओ, अगर तुमने कुछ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। पांचवां एल्डर पहाड़ पर चढ़ गया, जबकि ऐस शांति से उसके पीछे पीछे चला। हेली भी अन्य लोगों के साथ उनके पास गई और फैंग को जिज्ञासा और नाराजगी के भाव से देखा, क्योंकि वह उसकी नजर से बच गया था और अब वह अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और केवल घूर कर देखा। एस ने देखा कि वे छोटे लोमड़ियां उसे अजीब नजरों से देख रही थी, जबकि वयस्क सतर्क थे और यदि उसने कुछ भी अजीब करने की हिम्मत की तो वे उस पर झपटने के लिए तैयार थे। वह खुद को व्यंगपूर्वक मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। अंत में मेरे कौशल और सावधानी के बावजूद मैं अभी भी एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा कैद कर लिया गया था। मुझे भविष्य में और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं अभी भी इस विशाल स्वर्ग के सभी रहस्यों को नहीं जानता था। जैसे जैसे वे पहाड़ पर चढ़ते गए, एस ने देखा कि गुफाएं कम होती जा रही थीं और लोमड़ियां भी मजबूत होती जा रही थीं। इस समय एक 5 मीटर लंबा लोमड़ी प्रकट हुआ, लेकिन उसकी आंखों के बीच फर का एक चांदी जैसा धब्बा था और उसकी आभा श्वेत अग्नि के बराबर या उससे थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी। इस समय एक 5 मीटर लंबी लोमड़ी प्रकट हुई, लेकिन उसकी आंखों के बीच फर का एक चांदी जैसा धब्बा था और एक प्रभावशाली आभा थी। इस लोमड़ी के आगमन को देखकर पांचवें बुजुर्ग और अन्य लोमड़ियों ने सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया और अभिवादन किया। कुलपति, बड़ी लोमड़ी वास्तव में इस लोमड़ी वंश का कुलपिता थी, गेज। गेज ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आराम से, उसने एस को बड़ी दिलचस्पी से देखा, क्योंकि वह पूर्वज के अलावा किसी को भी सचेत किए बिना उनके छोटे से आश्रय में घुसने में कामयाब रहा था, और वह अनुमान लगा सकता था कि अगर उन्हें चेतावनी नहीं दी गई तो ये लंबे समय में उनके लिए बहुत घातक होगा। फिर भी
उसने अभी भी सोचा कि यह राक्षस उसके सिर से ऊपर था और दुश्मन के शिविर में इतनी गहराई तक घुसपैठ करने की हिम्मत कर रहा था, भागने या मदद के लिए पुकारने की बजाय, और अब वह उनकी दया पर या पूर्वज की दया पर था। वह स्पष्टता से मुस्कुराया और राक्षसी भाषा में बोला, ये कहना झूठ होगा, मैं आपके साहस से प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप हम में से एक नहीं हैं। फैंग ने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, ये वास्तव में अफसोस की बात है, अन्यथा मुझे भी यहीं छिपना पड़ता। धृष्ट दानव, पांचवें बड़े ने चिल्लाया क्योंकि उसकी बर्फीली आभा फैंग पर टिकी हुई थी। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब फैंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह घृणा से मुस्कुराता रहा। और यहां मैंने सोचा कि प्राचीन पशु जाति कुछ थी। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया जबकि उसकी आवाज घृणा से भरी थी। गेज की आंखें ठंडी हो गईं और वह भी कुछ करने ही वाला था कि तभी वह प्रभावशाली आवाज फिर गूंजी, उसे बिना किसी नुकसान के मेरे पास लाओ। वह दमनकारी आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार यह राक्षसी भाषा में थी, जिसका मतलब था कि वह फैंग को यह जानना चाहती थी कि उसकी रक्षा कौन कर रहा है। गेज और अन्य लोग तुरंत शांत हो गए, लेकिन अब वे फैंग को गहरी शत्रुता से देख रहे थे। गेज ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पीछे आओ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यदि तुम पूर्वज के सामने ये दिखावा करोगे तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जो भी हो, फैंग ने अपने कंधे उचका दिए, गेज की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह बहुत घमंडी है, पांचवें बड़े ने जानवरों जैसी भाषा में कहा, हम वह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, उन दूसरे राक्षसों और राक्षस दासों को अभी कालकोठरी में फेंक दो। गेज ने तिरस्कार पूर्वक आदेश देते हुए कहा। इस बार केवल गेज और फैंग ही शिखर की ओर बढ़े, उनके पीछे कोई नहीं था। एस की आंखें धीरे से चमक उठी, ऐसा लग रहा था कि पूर्वज मुझसे कुछ चाहते थे और उन्हें मेरी जिंदा जरूरत थी, लेकिन मुझे इस समय उस घमंडी राक्षस को नीची जातियों के सामने रखना होगा, नहीं तो उस पूर्वज को कुछ शक हो सकता है। इस दुनिया में हर कोई जानता है कि राक्षस कभी भी किसी अन्य प्रजाति के सामने अपना सिर नहीं झुकाते, भले ही वे नश्वर ही क्यों न हों। वे किसी अन्य प्रजाति की मदद करने या उनके सेवक बनने के बजाय मरना पसंद करेंगे। एस ने अंततः शीर्ष के चारों ओर गुलाबी धुंध को देखा और उसमें से एक बहुत ही भयानक आभा महसूस की। जैसे ही वे पास आए, गुलाबी धुंध ने अचानक एक रास्ता खोल दिया और केज भी कुछ हद तक भयभीत हो गया क्योंकि वह हर कदम ऐसे उठा रहा था जैसे वह पतली बर्फ पर चल रहा हो। एस शांत रहा और उसने केज का पीछा किया। जब वे मार्ग के अंत में पहुंचे तो वे एक बर्फीले मैदान में प्रवेश कर गए और इस बर्फ के मैदान के ठीक बीच में पारदर्शी पानी से भरा एक छोटा तालाब था और इस तालाब के केंद्र में एक आकृति बैठी थी, लेकिन किसी कारण से ऐसे व्यक्ति की शक्ल नहीं देख सका और यह उसे धुंधला दिखाई दिया। एक भ्रम कौशल, एस ने सोचा। हालांकि जब एस ने इस आकृति के नीचे असंख्य गहरे पैटर्न के साथ तैरते हुए सफेद क्रिस्टल जैसे मंच को देखा तो वह आश्चर्य से उछल पड़ा और लगभग जोर से चिल्ला पड़ा, एलिमेंटल ऑर्ब की वेदी। यद्यपि इस वेदी का रंग क्रिस्टल जैसा सफेद था, लेकिन वह उन अजीब पैटर्न को कभी नहीं भूल सकता था और जब वह अपने सिर के ऊपर उस अवरोध और उस ग्रे झील और भूतिया कीड़ों के बारे में सोचता था जो हेली के अनुसार उस झील से पैदा हुए थे। उन्होंने तुरंत ही सभी बिंदुओं को जोड़ दिया और एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचे। एस का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने सिस्टम से तुरंत सवाल किया, सिस्टम, क्या उस व्यक्ति के पास एलिमेंटल ऑर्ब था या वह वेदी एलिमेंटल ऑर्ब की वेदी है और वह छोटी झील ऑर्ब का सार है? क्योंकि वह जानता था कि अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने ओब के संरक्षक को हरा दिया था और अब वह मौलिक ओब के कब्जे में था और वह उस वेदी के साथ इस पूरे स्थान को नियंत्रित कर सकता था और शायद यही कारण था कि वह इतनी आसानी से पकड़ा गया। लेकिन यदि ऐसा है तो इसे बुद्धिहीन संरक्षक से प्राप्त करने की अपेक्षा बुद्धिमान प्राणी से प्राप्त करना कहीं अधिक जटिल होगा। इसके अलावा वह जानता था कि यह व्यक्ति उसकी हैसियत से बाहर है और अब वह केवल यही आशा कर सकता था कि यह सब केवल उसकी अटकलें ही हों। इस समय वही दमनकारी आवाज गूंजी, गेज बाहर रुको। गेज को लगा कि उसे क्षमा कर दिया गया है और उसने तुरंत ही दंडवत प्रणाम किया और फैंग तथा धुंधली आकृति को अकेला छोड़ दिया। हालांकि एस का ध्यान सिस्टम से मिले उत्तर पर था जो उसे अभी अभी मिला था। ये वास्तव में आइस एलिमेंटल ऑर्ब की वेदी और एलिमेंटल ऑर्ब का सार है, लेकिन ऑर्ब आसपास मौजूद नहीं है। एस का दिल ये सुनकर उछल पड़ा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने पूछा, आइस ऑर्ब, यह मेरी सूची में नहीं है, है ना? उसे साफ साफ याद था कि उसे कौन से 8 एलिमेंटल ऑर्ब्स इकट्ठा करने थे और आइस ऑर्ब उस सूची का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे कुछ राहत महसूस हुई। हालांकि सिस्टम के अगले जवाब ने उस राहत को चकनाचूर कर दिया। जब एक एलिमेंटल ऑर्ब बुद्धि और उम्र के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो यह उत्परिवर्तित भी हो सकता है और मजबूत भी हो सकता है। आइस ऑर्ब वाटर ऑर्ब का उत्परिवर्तन है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एस चिल्लाया, वह पूरी तरह से परेशान था। उस समय यह एक अप्रासंगिक विवरण था। एक उत्परिवर्तित तत्वीय गोला केवल स्वर्ग विरोधी संयोग से ही प्रकट हो सकता है, इसलिए यह एक परिवर्तनशील है। फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि मेजबान को अभी भी उस गोले की आवश्यकता है क्योंकि इस दुनिया में अब पानी का गोला नहीं होगा।
एस ने असहाय होकर आह भरी, क्योंकि वह जानता था कि प्रणाली सही थी, लेकिन समस्या ये थी कि यदि वह गोला यहाँ नहीं था तो वह कहाँ था और उसे कौन ले गया। क्योंकि अगर सामान्य उप संरक्षक इतने डरावने थे तो उत्परिवर्तित उप के संरक्षक के बारे में क्या। उसने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। कम से कम अब मुझे पता है कि कोई पानी का गोला नहीं है और किसी ने पहले से ही मेरे लिए संरक्षक का ख्याल रखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि गोला इस विशाल दुनिया में कहीं भी हो सकता है, उसने एक गंभीर भाव के साथ सोचा। बताओ, आत्मा को दबाने वाली नदी को कैसे पार करोगे? इस आवाज ने एस को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया, जो अब राक्षसी भाषा बोल रही थी। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि यह जानवर इस जगह पर ठोकर खाकर आया और किसी तरह से ओप की वेदी से इसे नियंत्रित करने में कामयाब रहा। कम से कम मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, वरना इसे छीनना मुश्किल होगा। एस अब पूरी तरह से शांत हो गया और अपना संयम वापस पा लिया। उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और भावशून्यता से उत्तर दिया, इस प्रकार के दमन ने मेरी तलवार की मंशा के कारण मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाला। एक पूर्ण तलवार इरादा, वह आवाज आश्चर्य में सुनाई दी। फैंग ने अपनी तलवार निकालते समय अपना सिर हिलाया और उसके बाद वह अचानक सफेद चमक में चमक उठी। आधा इरादा, आवाज ने तुरंत ध्यान दिया और प्रशंसा की, लेकिन फिर भी आपकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए आधे तलवार के इरादे को समझना और आत्मा क्षेत्र के साधकों की उपस्थिति में छिपने में सक्षम होना प्रभावित करता है। फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, बस मुद्दे पर आ जाओ। मुझे पता है कि तुम यहाँ छिपे हो और एक बार खबर बाहर आ गई तो पूरी राक्षस जाति इस जगह पर हमला कर देगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमें जाने दो और वे कुछ नरमी दिखा सकते हैं या। हे, राक्षस जाति का वह शापित राक्षस अभिमान, लेकिन तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। मुझे यहाँ एक जासूस के रूप में भेजा गया था, लेकिन 500 साल तक किसी प्राचीन खंडहर में फंसे रहने के कारण मुझे ये जगह मिली, जो कि एक वरदान था। अब मैं मोहरा नहीं बल्कि राजा हूँ और मैं वैसा ही बने रहने की योजना बना रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें खुद को मेरे प्रति समर्पित करने का मौका दे रहा हूँ और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें अपनी जाति से भी कहीं ज्यादा मिलेगा। फैंग ने पूरी तरह निडर होकर ठंडी सांस ली। मैं देशद्रोही बनने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। हालांकि एस ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, बस कर ही दो गपशप क्यों। जिस क्षण से वह यहाँ आया था, उसने अन्य लोमड़ियों की आंखों में उन्माद और भय को भी देखा था, और जब उसने आत्मा ब्रांड तकनीक के बारे में सोचा तो उसे पता था कि यह व्यक्ति बहुत सतर्क था और किसी भी चर को अपनी नाक के नीचे प्रकट नहीं होने देगा। यही कारण था कि जिस क्षण से पूर्वज ने बात करना शुरू किया, उन्हें पता था कि यह सिर्फ दिखावा है, क्योंकि यह कोई विकल्प नहीं था। छोटे शैतान, अगर तुमने मेरी आत्मा को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया होता तो तुम्हारी आत्मा बरकरार रहती, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम भी अपने जैसे ही खच्चर की तरह जिद्दी हो, इसलिए अब और बात करना व्यर्थ है। अब आप इससे बचेंगे या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। जैसे ही आवाज बंद हुई, एक गुलाबी लकीर बिजली की तरह चमकी और फैंग को प्रतिरोध करने का कोई मौका दिए बिना सीधे उसके माथे में जा लगी। फैंग अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना सिर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा, जैसे वह किसी चीज का प्रतिरोध कर रहा हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह सब एस का एक नाटक था, और वह वास्तव में ठीक था, क्योंकि उसने गुलाबी रंग की लकीर को अपनी आत्मा के स्थान में प्रवेश करते देखा था, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अनंत चोर भाग्य कंपास अचानक घूम गया। हम सर एस को गुलाम बनाना चाहता था, मेरे रहते नहीं, मोइरा की क्रोधित आवाज गूंजी। गुलाबी लकीर बहुत घबरा गई थी और वापस भागना चाहती थी, लेकिन एस की सच्ची आत्मा एक रहस्यमय जेल की तरह बन गई थी, क्योंकि शाश्वत चोर भाग्य कंपास अंधेरे चमक में चमक रहा था और यह सब मोइरा द्वारा किया गया था। एस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह कंपास कितनी आसानी से इस सोल ब्रांड का प्रतिरोध कर सकता है। उसे अब इस तरह के सोल अटैक को रोकने के लिए किसी सिस्टम की भी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसकी सच्ची आत्मा अब शाश्वत चोर भाग्य कंपास का क्षेत्र थी, वह किसी निम्नतर चीज को अपने ऊपर कलंक लगाने कैसे दे सकती थी। लेकिन इसके बावजूद वह मोइरा को उस आत्मा ब्रांड को नष्ट नहीं करने दे सकता, अन्यथा पूर्वज को यह तुरंत पता चल जाएगा और यह उसके लिए समाप्त नहीं होगा। मोइरा, इसे नष्ट मत करो, उसने आदेश दिया। ठीक है, मोइरा ने तुरंत सहमति जताई। सिस्टम, इसके लिए एक नकली चेतना पैदा करो, एस ने फिर सिस्टम को आदेश दिया। किसी कारणवश इस बार सिस्टम ने काम नहीं किया और यह मोइरा से संबंधित हो सकता है। फिर भी ये फंक्शन अभी भी मौजूद था और एस के आदेश के साथ ये सक्रिय हो जाएगा। एक आत्मा ब्रांड के लिए एक नकली आत्मा चेतना बनाना ग्रेड 7, लागत 500,000 टीपी, जारी रखें। हाँ, एस ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, लेकिन जब उसने उस सोल ब्रांड का ग्रेड देखा तो वह भी चौंक गया, क्योंकि 7 ग्रेड सोल ब्रांड बनाने के लिए तकनीक को लोअर स्काई ब्रेकर ग्रेड होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्ति बिल्कुल भी सरल नहीं था। नकली आत्म चेतना सफलतापूर्वक स्थापित की गई है। चोर पॉइंट 2340/100। इसी समय एस को अपने चोर अंक का एहसास हुआ, जो वास्तव में उससे कहीं कम होने चाहिए थे। क्या ये फेया का काम हो सकता है?
वह केवल उस संभावना के बारे में सोच सकता था क्योंकि उसने उसे घर के मिशन पर भरोसा किए बिना एचपी प्राप्त करने की विधि बताई थी। जिस दिन उसने उसे छोड़ा था उसके तुरंत बाद ही उसे चोरी की सूचनाएं मिलनी शुरू हो गईं और उसने सोचा कि वह बस प्रयोग कर रही है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इसमें इतनी अच्छी होगी। फिर भी उसके पास इस पर सोचने का समय नहीं था क्योंकि यह उसके लिए अच्छी बात थी कि वह जितना अधिक चुराती उसे उतना ही अधिक टॉयलेट पेपर मिलता। उसकी सच्ची आत्मा के अंदर, उसकी आत्मा के केंद्र से अचानक एक काला धुंधला गोला प्रकट हुआ और वह उस गुलाबी रेखा की ओर उड़ चला। ऐसा लग रहा था कि उस लकीर को कुछ आभास हो गया था और वह तेजी से उस नकली आत्मा केंद्र की ओर बढ़ा, और जैसे ही वह उसमें प्रविष्ट हुआ उस काले आत्मा केंद्र पर एक भयावह लोमड़ी का चेहरा प्रकट हो गया। यह एक सफलतापूर्वक निर्मित आत्मा ब्रांड था। इसके बाद वह नकली आत्मा कोर उसके असली आत्मा कोर के चारों ओर घूमने लगा। बाहर कुछ सेकंड बीत चुके हैं। धुंधली आकृति ने आत्मा ब्रांड के साथ स्थापित संबंध को महसूस किया और फैंग ने भी विरोध करना बंद कर दिया। उठो, आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार यह पहले जैसी गहरी कर्कश आवाज नहीं थी बल्कि एक महिला की कोमल आवाज थी। फैंग की आंखें अब सम्मान से भरी थीं और उसने अभिवादन किया, मास्टर। यह आत्मा के प्रतीक का असली आतंक था। यह अपने धारक को बिना किसी शर्त के अपने स्वामी के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर करता था, जबकि वे अभी भी अपनी इच्छा को बनाए रखते थे। लेकिन वे अपने स्वामी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते थे बिना उन्हें पता चले, भले ही इसका मतलब मौत हो। एस हालांकि प्रभावी नहीं था और सिर्फ उन लोमड़ियों की तरह खेल रहा था, लेकिन अब वह उस गोलाकार वेदी पर धुंधली आकृति देख सकता था। वह एक सुंदर लड़की थी जिसकी त्वचा नाजुक सफेद और बाल लंबे गुलाबी थे, तथा उसके बारे में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात उसके चांदी जैसे लोमड़ी जैसे कान थे। एक ऐसा जानवर जो रूपांतरित हो सकता है, शाही वंश। एस हैरान हुए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि जो जानवर मानव रूप में परिवर्तित हो सकता है उसे जानवर महाद्वीप में शाही वंश के रूप में जाना जाता है, और वे उस स्थान के सच्चे शासक थे। फिर भी एक परिवर्तित जानवर को व्यक्तिगत रूप से देखना एक अनोखा अनुभव था। फैंग के विस्मयकारी भाव को देखकर सुंदरी मुस्कुराई और बोली, मैं केवल अपने आत्मा ब्रांड वाले प्राणियों को ही अपना असली रूप देखने देती हूँ। मुझे आधिकारिक तौर पर अपना परिचय देने दो। मैं विंटर हूँ, एक आत्मा ब्रह्म लोमड़ी। वे सभी मुझे पूर्वज कहते हैं क्योंकि वे मेरे बच्चे हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ विंटर कह सकते हैं। फैंग ने सिर झुकाया और श्रद्धा से बोला, मैं हिम्मत नहीं करूंगा गुरुजी। तुम्हारा राक्षस अभिमान कहाँ है? क्या तुमने अभी कुछ क्षण पहले ही मुझसे सामना नहीं किया था? उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसे फैंग जैसे घमंडी राक्षस को अब अपना सिर झुकाते हुए देखकर आनंद आ रहा था। फैंग जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। मैं पहले बस उलझन में था, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। विंटर की दिलचस्पी खत्म हो गई और उसने शांत भाव से कहा, छोड़ो इसे। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग इस जगह के बारे में जानते हैं और तुम यहाँ क्यों आए हो। तो इसीलिए उसने सबसे पहले मुझे सोल बैंड का नाम दिया, इसलिए मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगा। एस ठंडे स्वर में मुस्कुराया, लेकिन उसने सच कहा क्योंकि वह उसकी साधना को महसूस नहीं कर सका था, जिसका अर्थ था कि वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी, और यदि वह बहुत अधिक झूठ बोलेगा तो वह कुछ पता लगा सकती थी। हम यहाँ ब्लेड महाद्वीप की प्रतियोगिता के लिए आए थे। उसने उसे प्रतियोगिता पूरी होने और फिर ब्लेड दानव राजा से अभियान के लिए कार्य मिलने के बारे में सब कुछ बताया। हमारे अलावा नाइट कमांडर व्हाइट फायर भी था जो भागने में कामयाब रहा, और मुझे यकीन है कि वह ब्लेड डेमन किंग को इसकी सूचना देगा। उन्होंने अभी भी पीटर के ब्लेड डेमन किंग का पुत्र होने के बारे में थोड़ा विवरण छोड़ दिया। विंटर ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया और सिकुड़ी हुई आंखों से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि उन्हें उस खंडहर का प्रवेश द्वार भी मिल गया है जहां मैं 500 वर्षों से फंसा हुआ था। लेकिन वह अचानक उपहास में मुस्कुराई, लेकिन तुम कुछ भी नहीं पा सकोगे क्योंकि मैंने वहां से सब कुछ ले लिया और फिर इस जगह को पाया। हालांकि उन राक्षसों के लिए इस जगह को ढूंढना आसान नहीं होगा जब तक कि मैंने उस खंडहर में रास्ते का ध्यान रखा और रास्ते के चारों ओर संरचना को मजबूत किया। वास्तव में चतुर महामहिम, फैंग ने प्रशंसा की। हालांकि विंटर के अगले शब्दों ने एस को चौंका दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है क्योंकि यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है और मुझे घर में कुछ हिसाब चुकता करना है। ऐसे समय गहरी नाराजगी महसूस कर सकता था, और जब उसने घर कहा तो एक ठंडी हत्या की मंशा भी महसूस कर सकता था, और वह जानता था कि यह लोमड़ी कुछ योजना बना रही है। लेकिन उसने कुछ भी दिखाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने चिंता के साथ कहा, लेकिन गुरुजी मेरे लिए यह असंभव होगा क्योंकि आप पांचवें प्रांत में हैं और मैंने सुना है कि अन्य जातियों के प्राणियों का पता लगाने के लिए प्रांत की सीमाओं में उनकी संरचनाएं हैं। विंटर ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, ये वाकई एक परेशानी है, लेकिन चिंता मत करो, मुझे बस किसी को खोजने की जरूरत है और वह मुझे यहाँ से बाहर निकालने में सक्षम होगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह व्यक्ति कहाँ है क्योंकि 800 साल से अधिक समय बीत चुका है और तुम लोग यहीं आते हो। एस को देखते ही उसकी आंखें तीखी हो गईं। एस को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जब उन गुलाबी आंखों की रोशनी उस पर पड़ी।
लेकिन उसने फिर भी अभिनय किया। कृपया अपना आदेश दें, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। मास्टर, विंटर ने थोड़ा सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, मुझे पता है, लेकिन अभी समय नहीं आया है। वापस जाओ, अभी अपने दोस्तों के साथ रहो और किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास मेरा सोल ब्रांड है या मेरे कबीले के बारे में। बस सामान्य व्यवहार करो जैसा कि तुम हमेशा करते हो। मैं तुम्हें कुछ दिनों में दूसरों के साथ फिर से बुलाऊंगा। जैसा आपका आदेश गुरुजी। फेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन अंदर से ऐस निराश था क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लोमड़ी पूर्वज क्या योजना बना रहा था। कम से कम उसे तात्विक ओब के बारे में जानकारी तो मिल गई और अब उसे ओब संरक्षक के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे उससे पहले ही कार्रवाई करनी होगी। ऐस की आंखों में चोर जैसी चमक थी। धुंध में एक रास्ता दिखाई दिया और गेज फिर से प्रकट हुआ, और जब उसने फैन को घुटनों के बल बैठे देखा तो उसे पता चल गया कि अब उसकी बात मान ली गई है और अब उन्हें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। विंटर ने गेज की ओर देखा और भावशून्यता से जानवरों की भाषा में कहा, वापस जाओ और उसे दूसरों के साथ बंद कर दो। दो दिन में उन्हें खोल दो, लेकिन सुनिश्चित करो कि वे तुम्हें न देखें। किसी भी बातचीत के लिए भूत कीड़े का उपयोग करें और हर सातवें दिन उन सभी को 6 घंटे तक यातना दें जब तक कि मैं अपना अगला आदेश न दे दूं। एस ने मुंह बनाया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि उसने अभी क्या कहा था। वह नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग जानवरों के कबीले को देखें और हमें हर 7 दिन में प्रताड़ित करें। मुझे यहाँ से निकल जाना था और इस लोमड़ी कबीले से छुटकारा पाना था। गेज ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और वे दोनों उसी रास्ते से पर्वत शिखर से चले गए जिस रास्ते से आए थे। विंटर ने बर्फीली आंखों से नीले अवरोध को देखा और बुदबुदाया, मैं इस भूत नियंत्रित वेदी के साथ विलय के बहुत करीब हूं और फिर मैं स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम हो जाऊंगा और अंततः इस शापित जगह को छोड़ दूंगा और उस पीठ में छुरा घोंपने वाली कुतिया को मार दूंगा। थोड़ा इंतजार करिए। एस को एक अन्य आत्मा क्षेत्र लोमड़ी द्वारा इस अंधेरे जेल में ले जाया गया, जहां उसने छोटे पिंजरे और अन्य सभी राक्षसों और मिट्टी के ट्रोल को अलग अलग पिंजरों के पीछे देखा। उसे भी अलग से बंद कर दिया गया था, लेकिन अन्य लोग बर्फ के कारण अभी भी बेहोश थे और वह ये भी महसूस कर सकता था कि ये पिंजरे विशेष थे और अंदर कोई एनर्जी नहीं थी या वह अपनी मिट्टी की एनर्जी को भी प्रसारित नहीं कर सकता था। इससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई कि लोमड़ी के पूर्वज को उस खंडहर में ऐसा क्या मिला होगा जिससे ये सब बना हो। उसे बंद करके लोमड़ी वहां से चली गई और जेल में भयानक सन्नाटा छा गया। हालांकि एस को इससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक था और अगर वह चाहता तो ये पिंजरे उसे रोक नहीं पाते, लेकिन उसे डर था कि विंटर उसे देख रहा होगा, इसलिए वह स्थिर रहा। आदतन उसने भाग्य का नक्शा खोला ये देखने के लिए कि वह कहाँ है, और वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि चांदी का भाग्य नक्शा फिर से ग्रे हो गया है। मोइरा, क्या हुआ? उसने पूछा। उसे वह कुछ नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी, तो क्या यह नक्शा बदल गया? मोइरा ने अनिश्चितता के साथ उत्तर दिया, मुझे लगता है कि सर एस को उस लोमड़ी से जो जानकारी मिली थी वही यह चांदी का भाग्य नक्शा बता रहा था। एस की आंखें सिकुड़ गईं। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो किसी भी मौलिक ओब के बारे में सटीक जानकारी वास्तव में उसके लिए एक हल्के चांदी के अवसर के लायक थी। ऐसा ही लग रहा था। खैर, अब ये भी ठीक है, मुझे इस जगह पर खोज करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस जगह से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि कोई हमें देख रहा है? एस ने प्रत्याशा के साथ पूछा। वह जानता था कि व्यवस्था से इस तरह का मामूली सवाल पूछने पर केवल चुप्पी ही हाथ लगेगी। वह ये बात अपने अनुभव से जानता था, इसलिए उसने ये सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई। नहीं, मेरा ग्रेड उतना अच्छा नहीं है, मुझे शर्म आ रही है। मोइरा ने माफी मांगी। इसकी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वह बूढ़ी लोमड़ी अपनी आत्मा के निशान से मुझे दागने के बाद मुझ पर नजर रखने की जहमत उठाएगी। एस ने कहा, जब मैंने उसे ब्लेड डेमन किंग के बारे में बताया तो वह भी किसी बात को लेकर जल्दी में लग रही थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी उपस्थिति अभी भी एक रहस्य है, इसलिए केवल ब्लेड डेमन किंग ही आएगा और फिर उसे उस खंडहर से गुजरना होगा जिसमें वह 500 सालों से फंसी हुई थी। शायद इसीलिए वह राक्षस राजा के बारे में चिंतित नहीं थी और यहाँ से निकल जाने को लेकर आश्वस्त थी। फिर भी हम हैं, मुझे नहीं पता कि वह क्या योजना बना रही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बल्कि बुरा है। एस गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने कोई कदम नहीं उठाया और अपना कदम उठाने से पहले 2 दिन तक इंतजार किया। शेर दिल की दुकान, सबसे ऊपरी मंजिल पर, फेया अपनी आंखों में एक तीखी चमक के साथ आलिया को देख रही थी। उसने पूछा, तुम्हें कितने मिले? आलिया ने सम्मानपूर्वक कहा, 18 ऐसे हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो, प्रतिक्रिया की चिंता मत करो, फेया ने उसे बीच में ही रोक दिया और विषय बदल दिया। 4 ग्रेड कबीलों के बारे में क्या? आलिया ने जवाब देते हुए अपने होंठ काटे। उन सभी ने हमारे प्रस्ताव में बहुत रुचि दिखाई है, लेकिन वे सहयोग करने से पहले फैन का ठिकाना जानना चाहते हैं। लेकिन हमें उनकी क्या जरूरत थी?
वह संदेह भरे स्वर में पूछने से खुद को नहीं रोक पाए। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उस राक्षस से मुलाकात के बाद उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मालकिन किसी तरह बदल गई है। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य और परेशान करने वाला परिवर्तन ये था कि वह श्रमिकों से चोरी करने लगी थी और फिर अजीब बात यह थी कि वह उनका सामान वापस कर देती थी। इसके अलावा आलिया को ये भी मानना पड़ा कि फ्रेया भी इसमें माहिर थी। पहली शिकार होने के नाते वह ये बात अच्छी तरह जानती थी। फिर भी उसने खंडन करने की हिम्मत नहीं की और उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया। जब तक वह चोरी का सामान वापस कर दे सब ठीक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह जो काम कर रही थी वह उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत था, और यदि वे असफल हो गए या कोई गलती कर दी तो उनके पूरे ऑपरेशन का खुलासा हो जाने का खतरा था। इसीलिए वह चिंतित थी। फ्रेया ने आलिया को अर्थपूर्ण निगाहों से देखा। हालांकि आलिया उसके प्रति पूरी तरह से वफादार थी और उसे धोखा नहीं दे सकती थी, फिर भी उसके मन में उसके प्रति सद्भावना थी क्योंकि वह उसका अनुसरण करने वाली पहली व्यक्ति थी। उसने आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मेरा विश्वास करो, इससे हमें कुछ नहीं होगा। आलिया सिर्फ सिर हिलाकर हार नहीं मान सकती थी। वह जानती थी कि फ्रेया कभी भी अपने इरादे नहीं बताएगी जब तक कि वह खुद न चाहे, इसलिए उसे मनाना व्यर्थ था। इस पल फ्रेया की आंखें अचानक आश्चर्य से थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसने आलिया की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कुलों के पास कब जाना है, अभी के लिए चले जाओ। आलिया ने झुककर फ्रेया को अकेला छोड़ दिया। क्या ये समय है, उसने सोचा, जैसे ही मुख्य संचार क्यूब उसके हाथ में आया जो इससे जुड़ गया। उसे एक मिशन के बारे में सूचना मिली जिसकी विषय वस्तु बहुत सरल थी, मुझसे संपर्क करें। एस ने उससे कहा था कि जब उसे उसकी जरूरत होगी तो वह उससे संपर्क करेगा, इसलिए वह इससे चौंकी नहीं, लेकिन वह अब भी इस बात से आश्चर्यचकित थी कि यह मिशन कितना संयमित था। एस की आवाज गूंजने से पहले क्यूब उसके हाथ में चमक उठा। भाग्य, फ्रेया ने शांत भाव से उत्तर दिया। चोर, ये गुप्त वाक्यांश चोर भाग्य था जिसे एस ने यह सुनिश्चित करने के लिए चुना था कि कोई अन्य इन क्यूब्स का उपयोग न कर सके। एस ने कहा, मैंने आपसे संपर्क करके बताया है कि योजना में बदलाव हुआ है। फ्रेया की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उदास होकर कहा, कैसा बदलाव? तुम्हें पता है हम सिर्फ इसलिए योजनाएं नहीं बदल सकते क्योंकि तुम्हें ऐसा करने का मन है, इससे हमारा पूरा संगठन खतरे में पड़ सकता है। एस की माफी मांगने वाली आवाज गूंजी। मुझे पता है, लेकिन इससे मुख्य बात नहीं बदलेगी, इसके विपरीत मुझे लगता है कि इससे संगठन को कुछ लाभ मिल सकता है। ठीक है, बताओ, उसने अनिर्णय से कहा, मैं वर्तमान में शाही वंश वाले एक प्राचीन जानवर द्वारा पकड़ा गया हूँ। एस की आवाज गंभीर थी। फ्रेया ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है? यह एक प्राचीन जानवर है, कोई राक्षसी जानवर नहीं। उसकी प्रतिक्रिया अपेक्षित थी क्योंकि यह उसके लिए अत्यंत अविश्वसनीय था। पहले एस और अब प्राचीन जानवर, क्या राक्षस जाति का पतन शुरू हो गया है? वह ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन इस समय उसकी मुख्य चिंता यह नहीं थी बल्कि असल में एस का पकड़ा जाना था, क्योंकि वह जानती थी कि एस की छिपने की क्षमता कितनी डरावनी थी और जो कोई भी उसे पकड़ सकता था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मुझे यकीन है, मैंने उससे बात की और यहाँ उसी प्रजाति की एक पूरी कॉलोनी है, एस ने बताया। फ्रेया के चेहरे पर उदासी छा गई। तो फिर तुम मुझसे संपर्क क्यों कर पा रही हो? क्या उन्होंने तुम्हारी स्टोरेज रिंग नहीं ले ली या तुम्हें किसी खास जगह पर बंद नहीं कर दिया? चिंता मत करो, मेरे पास अपने साधन हैं और मैं ये किसी और के नियंत्रण में नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे गुलाम नहीं बनाया जा सकता, तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए, एस ने आश्वासन दिया। उसे डर था कि यह महिला इस बारे में बहुत ज्यादा सोचेगी और फिर ये उसके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। फ्रेया ने वास्तव में इस संभावना के बारे में सोचा था, लेकिन अब जब एस ने उसे याद दिलाया तो उसने जल्दी से इसे टाल दिया। भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किसी व्यक्ति को कौन गुलाम बना सकता है ना? उसने उस पर पूरा विश्वास किया और कहा, ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? अगर वहाँ कोई प्राचीन जानवरों की बस्ती है तो हमें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है और राक्षसों को उसका ख्याल रखने देना चाहिए। एस की खुशमिजाज आवाज सुनाई दी। हे, मुझे पता था कि तुम मेरे इरादे बिना बताए ही समझ जाओगे, लेकिन इस जानवर से निपटना आसान नहीं है। ये नासमझ राक्षसों की एक सेना को नियंत्रित कर रहा है, शायद 10,000 से ज्यादा, और मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूँ कि जब अपने ही इलाके में लड़ने की बात आती है तो वे डरावने होते हैं। ऐसा लगता है कि तुम अपनी मर्जी से पकड़े गए हो क्योंकि तुम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हो। मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, फ्रेया ने ये सोचकर उपहास किया कि एस ने उसे कैसे बेवकूफ बनाया, और उसकी आंखों में आक्रोश की झलक दिखाई दी। एस ने हंसते हुए कहा, हे, मेरी चापलूसी मत करो, मेरा पहला लक्ष्य हासिल करने के लिए ये तरीका कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। बस इतना सुनिश्चित करो कि तुम इस जगह की ओर पर्याप्त ध्यान आकर्षित करो। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे उन सनकी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ और खास चाहिए।
फेया ने जवाब दिया। एस की आत्मविश्वास भरी आवाज गूंजी, कोई बात नहीं, बस उन्हें बता दो कि इस जानवर को एक पुराने दानव सम्राट की अखंड विरासत मिल गई है और अब वह उसे लेकर खंडहर से भागने की योजना बना रहा है। क्या यह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा? फेया की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन जब वे इसके कब्जे में आत्मा ब्रांड तकनीक देखेंगे, मुझे यकीन है कि वे अपनी आंखों के अलावा किसी और चीज पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना? एस की आवाज में दुष्ट इरादे भरे हुए थे। सोल ब्रांड तकनीक, फेया चौंक गई। वह स्वाभाविक रूप से इस खोई हुई प्राचीन तकनीक के बारे में जानती है, हालांकि उसके चेहरे के हाव भाव तब और बदल गए जब उसने कुछ सोचा। तुम, क्या ये तकनीक भी तुम पर प्रभावी नहीं थी? हाँ, बस जल्दी करो। मुझे लगता है कि यह सैकड़ों सालों से जो कुछ भी कर रहा था उसमें सफल होने वाला था। हम इस उधार के चाकू से बहुत लाभ उठाएंगे। फेया की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे इस जानवर के बारे में और जानकारी दो। ठीक है। अगले ही दिन, ब्लेड दानव राजा के महल के अंदर सिंहासन कक्ष। ब्लेड डेमन किंग की आंखें क्रोध और चिंता से भरी हुई थी जब उसने घुटनों के बल बैठे व्हाइट फायर को देखा, जो अभी भी अपने फटे हुए रूप और टूटे हुए कवच में था। तुमने भागने की हिम्मत कैसे की जबकि मेरे बेटे को कुछ ना समझ लोग उठा ले गए? वह गुस्से में चिल्लाया। वह अपने बच्चों से बहुत स्नेह करते थे, विशेषकर पीटर से जो सबसे छोटा था, और उन्हें उनका व्यक्तित्व सबसे अधिक विरासत में मिला था। अब वह सुन रहा था कि कुछ नासमझ राक्षस उसे बंधक बना रहे हैं और व्हाइट फायर को भी अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर रहे हैं। वह कैसे शांत रह सकता था? व्हाइट फायर को पता था कि ऐसा होगा, इसलिए वह कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार था, लेकिन ये पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी और वह जानता था कि उसका राजा कोई अनुचित व्यक्ति नहीं था। उसने कहा, मेरे राजा, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर है कि उन राक्षसों के पीछे कोई है और उन्होंने प्रिंस और अन्य लोगों को किसी और कारण से बंधक बनाया है। अगर मैं बचकर नहीं निकलता तो मेरी भी यही हालत होती। ब्लेड डेमन किंग की आंखें झुंझलाहट से चमक उठी। वह जानता था कि व्हाइट फायर सच बोल रही है और वह बिना किसी सवाल के वफादार था, लेकिन उसे अभी भी लगा कि यह बहुत बेतुका था कि वे नासमझ राक्षस व्हाइट फायर पर हावी हो सकते थे। फिर भी व्हाइट फायर से पहले उन्हें अपने बेटे का मामला निपटाना था। वह अपने बेटे को बचाने के लिए अकेले उस स्थान पर जाने के लिए उठने ही वाले थे कि सिंहासन कक्ष का दरवाजा जोर से खुला और आभा उनके चेहरे पर राग जैसे भाव लिए प्रकट हुई। अब क्या? ब्लेड डेमन किंग की अभिव्यक्ति और भी अधिक उदास हो गई, क्योंकि वह जानता था कि अगर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात न होती तो आभा कभी भी इस तरह सिंहासन कक्ष में नहीं घुसती। व्हाइट फायर को भी कुछ गड़बड़ का आभास हुआ जब उसने देखा कि औरा लगभग हौंफ रहा है, मानो वह पूरी गति से दौड़ रहा हो। औरा ने कुछ नहीं कहा और उसके हाथ में एक स्क्रॉल दिखाई दिया और उसने इसे ब्लेड डेमन किंग को सौंप दिया। कृपया इसे देखें मेरे राजा। ब्लेड दानव राजा ने अनिश्चितता के साथ स्क्रॉल खोला, जबकि व्हाइट फायर ने दानव राजा के हाथ में आभा और स्क्रॉल को उत्सुकता से देखा, लेकिन वह घुटनों के बल बैठा रहा। ब्लेड डेमन किंग का चेहरा अचानक राग जैसा हो गया जब उसने संदर्भ पढ़ा। अंत में उसकी सांसें उखड़ने लगी क्योंकि एक तेज आभा ने पूरे सिंहासन कक्ष को भर दिया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और घृणा से चिल्लाया, प्राचीन पशु जाति, अच्छा, बहुत अच्छा। दो दिन पश्चात, धुंध दानव राजा के साधना कक्ष के अंदर, उसके हाथों में एक स्क्रॉल और एक नक्शा भी था जो कांप रहा था जबकि आसपास का कोहरा गहरा होता जा रहा था। तो मेरे बेटे को प्राचीन जानवर जाति के मेंबर ने मार डाला क्योंकि वह उन जानवरों द्वारा निकाले गए एक आत्मा क्रिस्टल स्रोत पर ठोकर खाई थी। अगर मैं इस नक्शे पर चिन्हित इस जगह पर जाता हूँ तो मुझे वह जगह मिल जाएगी जहाँ से आत्मा क्रिस्टल स्रोत निकाला गया था। अगर यह सच है तो मैं उन सभी जानवरों को मार डालूंगा। वह तुरंत अपने साधना कक्ष से बाहर निकली और उस पुस्तक के संदर्भ की पुष्टि करने के लिए छाया पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ी। 8 दिन बाद, आठवां प्रांत, जो शाही क्षेत्र का सबसे निकटतम प्रांत था, शक्तिशाली दानव तामीर प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिस पर दानव तामीर जनजाति का शासन था। दानव तामीर करने वाले कबीले में एक शक्तिशाली दानव कबीला है जो राक्षसी जानवरों को नियंत्रित कर सकता है, और 8 प्रांतों में मौजूद सभी उत्तम और शक्तिशाली राक्षसी जानवर उनके नियंत्रण में थे। एक उज्ज्वल विशाल हॉल के अंदर एक लंबा राक्षस पैरों पर पैर रखकर बैठा था और अपने हाथ में रखे हुए स्क्रॉल को देख रहा था। तो एक शाही वंश वाला एक प्राचीन जानवर छिपा हुआ है और हमारी जाति के खिलाफ साजिश कर रहा है। हम, मैं तो बस उन जानवरों की भूमि पर जाने और अपने संग्रह में जोड़ने के लिए एक या दो शाही जानवरों को वश में करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वे खुद मौत की गिनती कर रहे हैं। अब कोई मुझे दोष नहीं दे सकता। लिटिल फैंग, चलो काउंसिल मीटिंग में ब्लेड डोमेन पर चलते हैं। ब्लेड और अन्य को देखे हुए मुझे काफी समय हो गया है। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, उसके नीचे एक विशालकाय सिर ने अपनी क्रूर सांप जैसी आंखें खोल दी।
पहले दो बाहरी प्रांत माइटी घोस्ट प्रांत और माइट ब्लड प्रांत, अन्य दो आंतरिक प्रांत माइटी अर्थ प्रांत और माइट मून प्रांत, और सातवें कोर प्रांत माइटी स्पियर प्रांत। दानव राजाओं और उनके मजबूत सहायकों को भी ब्लेड डोमेन में शाही परिषद द्वारा बुलाया गया था। कुछ ही समय बाद उन्हें हर दूसरे डोमेन के समान ही स्क्रॉल प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर इस एक पुस्तक के कारण आठों प्रांत हिल गए, क्योंकि यह पुस्तक सर्वज्ञ तोते की थी, जो कुख्यात होते हुए भी एक विश्वसनीय सूचना स्रोत था। यदि उस पुस्तक की विषय वस्तु सत्य थी, तो यह पशु महाद्वीप का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और यदि अन्य जातियों को किसी तरह इसकी भनक लग गई, तो वे विश्व में हंसी का पात्र बन जाएंगे। इन पुस्तकों की विषय वस्तु की पुष्टि उनमें वर्णित दो राक्षस राजाओं द्वारा की गई थी, और वे किसी न किसी तरह इस रहस्यमय शाही जानवर से जुड़े हुए थे। यह इतनी जल्दी इस ओर मुड़ गया क्योंकि ब्लेड डेमन किंग ने उस खंडहर की उपस्थिति की पुष्टि की जहां उसके बेटे का अपहरण किया गया था, और फिर मिस्ट डेमन किंग चौंकाने वाली जानकारी की पुष्टि करने के लिए आगे आए, जिससे कई लोग गुस्से से शापित हो गए। पता चला कि छाया पर्वत में ग्रेट चार सोल क्रिस्टल स्रोत था, जिसे अब इन जानवरों द्वारा पूरी तरह से निकाल लिया गया था। उसने अपने बेटे की हत्या की भी पुष्टि की जब उसने उन जानवरों द्वारा इस सोल क्रिस्टल स्रोत की खोज की। यही कारण था कि शाही परिषद ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और पहले कार्रवाई करने तथा बयान देने के लिए उस जानवर को मारने का निर्णय लिया। लेकिन एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया, सर्वज्ञ तोते को यह चौंकाने वाली जानकारी कैसे मिली, और ये जानकारी इतनी सटीक कैसे थी कि उन्हें संदेह होने लगा कि यह व्यक्ति दुश्मन खेमे से है। फिर भी सर्वज्ञ तोता इस समय राक्षसों के लिए सबसे कम समस्या था, क्योंकि उनका पूरा ध्यान इस रहस्यमय शाही जानवर पर था। ये सब उस पुस्तक में लिखे एक साधारण से वाक्य के कारण हुआ। वह जानवर एक प्राचीन दानव सम्राट की विरासत के कब्जे में है, जो उसे उस खंडहर में मिली थी। इसने हर राक्षस राजा स्तर के अस्तित्व को हिला दिया, और यही कारण था कि वे ब्लेड डोमेन में इस बैठक के लिए जल्दी से सहमत हो गए, क्योंकि अगर यह सच था तो उन्हें उस जानवर को पकड़ना था और विरासत हासिल करनी थी। हालांकि जब तक उन्होंने स्वयं नहीं देखा तब तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन उनके लिए आगे बढ़ने के लिए बस एक मौका ही पर्याप्त था। नकाबपोश दानव और हत्यारे ने भी स्वाभाविक रूप से इन स्क्रॉलों को देखा है, क्योंकि सर्वज्ञ तोता कठपुतली ने भी उनसे संपर्क किया था। किलन ने अनिश्चितता के साथ कहा, महाराज क्या हम दो दिन बाद उस बैठक में जा रहे हैं? नकाबपोश राक्षस ने उत्तर दिया, बेशक अगर उस पुस्तक का एक अंश भी सत्य है तो हमें वहां से चले जाना चाहिए। विरासत के बारे में भूल जाओ, इस शाही जानवर की उपस्थिति उन जानवरों पर युद्ध की घोषणा करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि वे भूल गए थे कि हम कैसे दया दिखाते हैं और उन्हें जीने देते हैं। उसकी आवाज प्राचीन जानवर जाति के प्रति घृणा से भरी हुई थी। किलन ने सिर हिलाया, वास्तव में महाराज हम इस अपराध को अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन क्या होगा अगर इसमें वास्तव में सम्राट स्तर की विरासत हो? अगर यह सच है तो हमें अब उस चोर की जरूरत नहीं है। हे, और कौन मेरे खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेगा? क्या आपको लगता है कि वे राजा इतने मूर्ख होंगे कि मेरे खिलाफ जाएंगे? उसने बिना किसी चिंता के व्यंग्य किया। किले की आंखें ठंडी चमक से चमक उठी और उसने सिर हिलाया, हाँ लेकिन हमें इस सर्वज्ञ तोते से सावधान रहना होगा। हम कुछ समय से उसे खोज रहे थे लेकिन कोई किस्मत नहीं मिली, लेकिन ये जानता है कि हमें कहाँ ढूंढना है। ये व्यक्ति जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम बस एक छोटा सा किरदार जो इस जानकारी को जारी करके अराजकता में लाभ प्राप्त करना चाहता था। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वह उस बाधा या भीतर के शाही जानवर से निपट नहीं सकता है, इसलिए वह काम करने के लिए दूसरों तक जानकारी फैलाने की अनुमति देता है। लेकिन अगर उसकी जानकारी गलत निकली तो पूरे महाद्वीप के बड़े लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, और उस समय वह मुझसे सुरक्षा की भीख मांगने आ सकता है। मुझे देखना है कि क्या वह उस समय भी अहंकारी बना रहता है, उसने ठंडे स्वर में कहा। किलन ने श्रद्धा से सिर झुकाया, महाराज आपकी बुद्धि वास्तव में हम जैसे तुच्छ सेवकों से कहीं ऊपर है। जाओ परिषद से कहो कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में भाग लूंगा और उस खंडहर में इस अभियान का नेतृत्व करूंगा। हत्यारे ने अपना आदेश प्राप्त किया और चला गया। नकाबपोश राक्षस अकेला रह गया, और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे उसके हाथ में एक सुनहरा घन दिखाई दिया और वह थोड़ा कांप उठा। वह चिंता से बुदबुदाया, ये तो बुरा है। इस परिषद की बैठक का स्थान कोई और नहीं बल्कि व्हाइट हिल मैदानों का बाहरी क्षेत्र था। इस स्थान को इसलिए चुना गया क्योंकि ब्लेड डेमन किंग और मिस डेमन किंग इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दे रहे थे, क्योंकि इसमें उनके परिजन भी शामिल थे। वे इस स्थान पर अन्य लोगों से पहले पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। ब्लेड डेमन किंग के पीछे 5 ब्लेड दूत थे, जिनमें व्हाइट फायर और 500 शक्तिशाली शूरवीर शामिल थे, जबकि मिस डेमन किंग को 6 मिस्टी किलर और 1000 ट्रेन सैनिकों द्वारा संरक्षण दिया गया था। वे सभी इस शाही जानवर के अधीन सेना के बारे में जानते थे, इसलिए हर राक्षस राजा अपने शक्तिशाली लोगों को ला रहा था। एक विशाल शिविर के अंदर वहां एक मेज के चारों ओर भयानक राक्षस बैठे थे, और उनमें से हर एक के चारों ओर एक डरावनी आभा थी।
अगर कोई उन्हें एक साथ देखता तो वह हैरान रह जाता, क्योंकि उनमें से 7-8 प्रांतों, 7 राक्षस राजाओं की रीढ़ थे और केवल एक गायब था, जबकि अन्य 5-8 राक्षस राजाओं की तरह प्रसिद्ध नहीं थे। लेकिन उनका अधिकार कोई मजाक नहीं था, क्योंकि वे 8 प्रांतों में शाही दानव परिषद को नियंत्रित करते थे। वे कोई और नहीं बल्कि 5 उच्च बुजुर्ग थे। यदि अन्य जातियों को पता होता कि 12 अभिव्यक्ति क्षेत्र के साधक एक साथ एकत्र हो रहे हैं तो वे सोचते कि यह युद्ध होने वाला है। फिर भी वातावरण सामंजस्यपूर्ण नहीं था, क्योंकि ये राक्षस राजा एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे और शायद ही कभी संपर्क में आते थे। हालांकि पुराने दानव सम्राट की विरासत का आकर्षण इतना अधिक था कि उनमें से कोई भी उस संबंध को अस्वीकार नहीं कर सकता था। भले ही उन्हें कुछ न मिले, वे खुद ही आ जाते। ग्रेट डेमन किंग ने अधीर स्वर में चुप्पी तोड़ी। हम अब भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उच्च बुजुर्ग लोरा ने जवाब दिया, जब उनकी चांदी और सुनहरी आंखें शत्रुता से चमक उठीं। हमेशा की तरह अधीर, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए समय नहीं है। मेरे बेटे को उस जानवर ने अगवा कर लिया था और मुझे अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं लगा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। उसने उपहास करते हुए लोरा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, जिससे उसके दांत पीसने लगे। बैंगनी त्वचा और आसमानी नीली आंखों वाला मोटा दानव बोला, मैं ब्लेड दानव राजा से सहमत हूँ। हमारे लोग उस जगह पर हमला करने के लिए तैयार हैं। उसका व्यवहार बर्फीला था और वह माइट मून प्रांत का मून दानव राजा था। इस बार उच्च बुजुर्ग क्रिम्सन फ्लेम ने सौहार्दपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, हम जानते हैं कि दोनों राजाओं के पास वैध कारण थे, लेकिन अभी भी कोई लापता है और मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को पीछे छोड़ना एक अच्छा विचार है। एक लंबे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले राक्षस ने आह भरते हुए कहा, मुझे अनुमान लगाने दो, शाही क्षेत्र। उसके पास क्रिस्टल लाल रंग के 2 सींग थे, उसकी त्वचा खून की तरह लाल थी और उसकी आंखें खून की प्यास से भरी हुई थीं। वह शक्तिशाली रक्त प्रांत का रक्त दानव राजा था। राख जैसी पीली त्वचा वाले एक राक्षस ने अपने होंठ सिकुड़े। उसका चेहरा राक्षसी था और उसकी आंखें भूतिया खाली थीं। वास्तव में हम अपने कमांडर का इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज में उपहास का भाव था। वह शक्तिशाली भूत प्रांत का भूत दानव राजा था और वह बहुत निर्दयी भी था, क्योंकि भूत प्रांत दानव महाद्वीप के किनारे पर था और यह अपेक्षाकृत सुरक्षित नहीं था जैसा कि अन्य प्रांत थे। वह वहां इसलिए नहीं था क्योंकि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह राक्षस महाद्वीप के सामने के द्वार पर नजर रखने में वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक सक्षम था। भूत प्रांत का रक्त दानव राजा के साथ बहुत अच्छा संबंध था, क्योंकि वे सबसे करीबी थे और कभी कभी एक दूसरे की मदद करते थे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्यों न हम आत्मा क्रिस्टल स्रोत पर चर्चा करें? तीखी अंबर आंखों और कांस्य त्वचा वाला एक मांसल दानव बोला, जिसने सभी का ध्यान धुंध दानव राजा की ओर खींचा, जो अंधेरे धुंध से घिरा हुआ था। वह शक्तिशाली भला प्रांत का भला दानव राजा था। मिस डेमन किंग की मधुर लेकिन बर्फीली आवाज गूंजी, मैंने पहले ही सबको बता दिया है कि मुझे क्या मिला। उस जगह पर कोई भी सोल क्रिस्टल नहीं बचा था और वह पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। भले ही वहां सोल क्रिस्टल थे, लेकिन उन्हें मांगने की आपकी बारी नहीं होगी, भला दानव राजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मुझे तुम्हारा लहजा पसंद नहीं है मिस, भले ही तुम अपना एक बेटा खो दो, लेकिन इससे तुम्हें अपने वरिष्ठ से बात करने का अधिकार नहीं मिल जाता। इस समय ब्लेड डेमन किंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। भला दानव राजा उन सब में सबसे अधिक घमंडी था, क्योंकि वह 7वें प्रांत का पर्यवेक्षक था और काफी लालची भी था। वह स्वाभाविक रूप से आत्मा क्रिस्टल चाहता था, जो काफी दुर्लभ वस्तु थी, और वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा, भले ही मिस डेमन किंग ने अपना बेटा खो दिया हो। वह इस कमरे में अकेली थी जिसे उस जगह का नक्शा मिला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरों के मन में संदेह पैदा हुआ, लेकिन कोई भी उससे ज्यादा सीधा नहीं था। मिस डेमन किंग के चारों ओर धुंध छाने लगी जैसे ही ठंडी आभा सतह पर आई। वह हमला करने ही वाली थी। बस बहुत हो गया, बड़ी बुजुर्ग महिला ने तीखी आवाज में कहा, जिसकी भौहों के बीच 3 सेंटीमीटर का हीरे के आकार का काला रत्न जड़ा हुआ था। उसे ग्रिम जैद कहा जाता था। उसकी भौहों के बीच का काला मणि एक हल्के अंधेरे प्रकाश में चमक उठा, जैसे कि धुंध दानव राजा द्वारा छोड़ी गई आभा गायब हो गई, जबकि भला दानव राजा जो उपहास कर रहा था उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसने खून को पकड़ लिया और क्रोध और भय के साथ ग्रिम जैद को देखा। ग्रिम जैद ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए चेतावनी दी, हम सभी तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं स्पीयर, इसलिए उसे उकसाओ मत, वरना मुझे तुम्हें पुराने दिनों की तरह सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। हम भाला दानव राजा ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि इन उच्च बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं था, और उनमें से केवल कुछ ही उनके मुकाबले या उन 5 से अधिक शक्तिशाली थे। हमें इस सर्वज्ञ तोते के बारे में चर्चा करनी चाहिए। क्या आप सभी को यह अजीब नहीं लगता कि उसे इतनी सारी जानकारी कैसे थी और वह इतना सटीक कैसे था? भूरी त्वचा और पन्ने जैसी आंखों वाले एक राक्षस ने संदेह भरे स्वर में कहा। वह शक्तिशाली पृथ्वी प्रांत का पृथ्वी दानव राजा था और वह सभी राक्षस राजाओं में सबसे बुद्धिमान था।
डार्क होल ने जवाब दिया, हमने पहले ही ऐसा कर लिया है, लेकिन इसने अपने निशान बहुत अच्छी तरह से छिपा लिए हैं। जहां तक उन राक्षसों का सवाल है जिन्होंने स्क्रॉल दिया, वे गुलामों के निशान वाले नश्वर प्राणी थे और उनके अनुसार उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें किसने और कब गुलाम बनाया। पृथ्वी दानव राजा की आंखें चमक उठीं और उसके होंठ मुड़ गए। इसलिए हमें दूसरा तरीका आजमाना चाहिए। उसे दानव राजा की उपाधि देने के बारे में क्या ख्याल है? सभी लोग पृथ्वी दानव राजा को ऐसे देख रहे थे जैसे वह मूर्ख हो। दानव राजा की उपाधि किसी को भी कैसे दी जा सकती है? प्रकटीकरण क्षेत्र की साधना प्राप्त करने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीमा, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि वह लगभग असंभव थी, और राजसी क्षेत्र की स्वीकृति उसके बाद आई। यद्यपि जंगली राक्षस राजा भी थे, तथापि वे सभी अपनी उपाधियों के हकदार थे। जहां तक सर्वज्ञ तोते की बात है, तो वह एक भूत था और कोई नहीं जानता कि वह किस तरह की जनजाति का था या वह कितना शक्तिशाली था। इसलिए पृथ्वी दानव राजा का सुझाव विचार करने लायक चीज से ज्यादा एक मजाक था। हालांकि व्हाइट स्वॉर्ड, जो इतने समय से चुप था, अंततः दिलचस्पी के संकेत के साथ बोला, कृपया जारी रखें। अब सभी ने सफेद तलवार को संदेह भरी नजरों से देखा, पर कुछ नहीं कहा। आठ प्रांतों में किसी ने भी इस राक्षस के खिलाफ जाने या उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत नहीं की, किसी ने भी नहीं। पृथ्वी दानव राजा ने सम्मानपूर्वक कहा, मुझे लगता है कि सीनियर व्हाइट स्वॉर्ड ने पहले ही इस पर ध्यान दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी सीधा रहूंगा और अपनी सीमाओं को लांघूंगा। क्या आप में से किसी ने कभी सोचा है कि यह सर्वज्ञ तोता हमारी नाक के नीचे सबसे बड़ा सूचना नेटवर्क कैसे बना सकता है? न केवल हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बल्कि हम इसका लिंग भी नहीं जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के व्यक्ति को शाही परिषद में शामिल किया जाना चाहिए? हम सभी इस समय अलग अलग तरीकों की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन तरीकों में एक बात आम है, हम इस व्यक्ति को खोजने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? लेकिन हमने उसे एक बार भी भर्ती करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम बहुत संकीर्ण सोच वाले हैं और छोटे मोटे लाभों से अंधे हो जाते हैं। इस व्यक्ति में क्षमता थी, और कल्पना कीजिए कि अगर हम उसे पर्याप्त संसाधन प्रदान करें और उसे अन्य महाद्वीपों पर ऐसे नेटवर्क बनाने दें। सबकी आंखें चमक उठी, उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि पृथ्वी दानव राजा यहाँ क्या कहना चाह रहा था। क्रिम्सन फ्लेम ने अविश्वास के भाव से कहा, तो तुम एक बेहतरीन जासूस बनाना चाहते हो? पृथ्वी दानव राजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ, पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन अब है, इसलिए जब ये हमारी ताकत हो सकती है, तो इसके साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना? इसके अलावा मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के पास ऐसी जानकारी का खुलासा करने और इसे आम जनता के लिए जारी न करने के अन्य इरादे थे। फिर भी जब तक ये हमारे रास्ते में नहीं आएगा, हम उसे इस योग्यता के लिए पुरस्कृत क्यों नहीं करते? व्हाइट फायर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मैंने हमेशा पृथ्वी दानव राजा की बुद्धिमत्ता के बारे में अफवाहें सुनी हैं, लेकिन मैंने खुद इसका अनुभव किया है। मुझे कहना होगा, अफवाहें वास्तविकता के करीब भी नहीं थीं। न केवल हमारे पास इस सर्वज्ञ तोते को पुरस्कृत करने का एक वैध कारण है, बल्कि अगर यह शाही जानवर वास्तव में जानवर महाद्वीप से एक जासूस था और पुराने दानव सम्राट की विरासत के कब्जे में था, तो मुझे नहीं पता कि हम उसे दानव राजा की उपाधि के लिए अनुशंसित क्यों नहीं कर सकते। पृथ्वी दानव राजा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, वरिष्ठ, मुझे पता है कि आपने भी यही सोचा होगा। अंत में हम सभी ने बस यही सोचा कि हमारी जाति के लिए सबसे अच्छा क्या है, और यह व्यक्ति एक संपत्ति है। दूसरे भी गहरी सोच में डूब गए। वे पृथ्वी दानव राजा के निर्णय की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए, और साथ ही व्हाइट फायर की भी, जो बड़ी तस्वीर को देखने के लिए तैयार थी। ठीक इसी समय एक घमंडी आवाज सुनाई दी, मुझे उम्मीद है कि हम इस पार्टी के लिए देर से नहीं पहुंचेंगे।